में अगर कंपेयर करते हैं तो आज अचानक सैटरडे संडे इतना आने के क्या मतलब है? नहीं मेरे लिए, अच्छा अच्छा थैंक यू एवरीवन। अच्छा अच्छा लास्ट क्लास है, दैट्स राइट, अलविदा ना कहना है वो चीज़ है। मैं इसका सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लेता हूँ। मैं ओके, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो नाउ वी आर लाइव ऑल्सो, सो सेम वीडियो विल बी लाइव ऑल्सो, लाइक इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट दोज हु कैन नॉट कम टू द क्लास दे विल बी एबल टू वॉच लाइव ऑल्सो देयर। सो आई हैव गिवन हैंड आउट, राइट? यू ऑल हैव गॉट हैंड आउट्स, हैंड आउट ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 11 पेजेस आर देयर। दिस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, वॉट एवर वी हैव कवर्ड लास्ट वीकेंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सो दैट इज वेयर वी हैव अनदर थिंग इज दैट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन हियर, I have already done the correction of the questions. This is for GS batch, not for the NCERT batch. So for the GS batch, I have given in assignment in one batch within the class, and one was the homework question. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिनको होमवर्क दिया तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, 10 तरह का वेबसाइट, बहुत जगह कॉपी किया, तो उनको मैंने गुड दे दिया है, ठीक है। बट दैट इज नॉट यू नो, फिर वो आपका हार्डवर्क नहीं हुआ, मतलब आपने लिखा ठीक है पॉइंट्स, वो आगे वो हार्डवर्क नहीं, लेकिन जो बैच में मॉर्निंग बैच में जिन्होंने क्लास के अंदर लिखा है ना, वो होता है रियल टेस्ट, कितना आपको आता है। रियल एस्पेक्ट वो आता है कि जब क्लास में आप लिखते हैं या कोई भी टेस्ट प्रोग्राम वहाँ लिखते हैं, घर पर बैठ के लिख कर लाना वो उसमें कोई पता नहीं है। तो वो अंतर मुझे लिख रहा था, दिख रहा था, क्योंकि कई बार पेपर्स क्या होता है ना, वेन अ टीचर एग्जामिन और करेक्ट, वो मालूम होता है कि कौन सा सोर्स से क्वेश्चन को कॉपी किया जा रहा है। आंसर एक ही तरह का आंसर बहुत में, गवर्नमेंट प्रोग्राम भी एक जैसा है, तो वो ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं से थे, एक ही स्टफ आप लिख रहे हो आप, है ना। तो ये मुझे लगा कि कुछ लोगों का जो आंसर है वो उस तरह का, मतलब उसमें, जबकि मैं ये कहता हूँ अगर होमवर्क कोई टीचर दे रहे हैं, if any teacher give you homework like in the environment ecology class or maybe in geography, maybe history, polity, any subject, and you are writing from home, it does not mean that you just simply copy and paste. What is the way out? You read it. maine ye kaha bhi tha, pehle padho aap 10 kitabe padho, 10 website ka padho aap, 10 tarah ka model answer padho, koi dikkat nahi hai. lekin jab aap likhte ho khud apne words mein, 10 minute ke andar likho, within 10 minutes, to wo cheez lacking hai, wo nahi dikh raha hai mujhe. हाँ, लेकिन जिनका क्लासरूम असाइनमेंट था, क्योंकि उनको उस टाइम पे लिखना था 7-8 मिनट्स में, मैंने उसमें भी 10 to 15 मिनट्स का टाइम दिया था कई लोगों का, तो वहाँ पर तो मॉरल ऑफ द इंटायर थिंग इज दैट यू ऑल हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कहने का मतलब यही है, नहीं तो मेंस एग्जाम भी आसान नहीं है। विदाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई इवन द मेन एग्जाम, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आंसर करेक्टेड जो है वो आप क्लास के बाद कलेक्ट कर लेना, इसमें मैंने कमेंट्स भी दिए, कई कई आंसर कंक्लूजन नहीं है, कई में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी बैच, क्योंकि आप एनसीईआरटी हो, आप बेसिक लेवल पे हो, आपका एडवांस लेवल नहीं है, जीएस वालों को बहुत एडवांस लेवल पे मैंने कई चीज़ों को पढ़ाया है, फॉर यू इट्स ओनली जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक दिस, जो कि स्टैटिक एरिया है, तो वो अलग है। एंड यू विल बी getting to GS class, then you will learn all the advanced areas of environment and ecology. There I will be teaching that. आज भी मैं केवल basic areas में कराऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने बताया था, so I've got this book, sample book. तो जब भी आपका environment test होगा, जैसे मैंने अभी कलाम जी से बात किया, he told me that 10-12 दिनों के बाद आपके test होंगे environment का, so those, हाँ those who will, नहीं ये ट्यूजडे नहीं, ये geography environment नहीं, इसमें नहीं, नेक्स्ट जब होगा तो यू हैव टाइम टू रीड एंड रिवाइज, तो उसमें जो टॉप 3 होगा
उनको ये बुक एज ए गिफ्ट मिलेगा, बुक ऑन एग्रीकल्चर 360 डिग्री। अब वो भी जो क्लासरूम में यहाँ आके दे रहे, घर में बैठ कर टेस्ट दे रहे उसको नहीं, ऑनलाइन पीपल आर नॉट एलिजिबल, और घर से आके करने वाले उनको एलिजिबिलिटी नहीं होगी। तो वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होगा कि जिन्होंने यहाँ आके टेस्ट दिया उनके पेपर इवेल्युएट होंगे, और उनमें से जो टॉप थ्री होगा दैट विल गेट दिस 360 डिग्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर दैट इज फ्रॉम दिस पब्लिकेशन। इट्स द फर्स्ट बुक विच कवर एवरीथिंग ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ये बुक उनको गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। सो आई हैव गॉट द थ्री बुक्स फॉर दोस पीपल। एनसीडी बैच का क्योंकि वहां पर अभी है नहीं तो वहां पर नहीं, जब आपका जीएस में पेपर कभी भी होगा तो देन यू विल बी गेटिंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट हियर। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस वन, व्हाट इज इकोलॉजी, है ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इकोलॉजिकल निश, लेट मी कम इनटू दिस। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड और ऑन द ब्लैक बोर्ड। यू हैव अ हैंडआउट टू सप्लीमेंट, सो वॉट एवर आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम यू हैव टू सप्लीमेंट द हैंडआउट एंड दैट यू हैव टू अटैच विद योर क्लास नोट्स। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इकोलॉजी, व्हाई इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक विद एनवायरमेंट, राइट। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट एंड देयर वी हैव ऑल्सो कवर्ड इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एजिटेंसले। एंड देन वी वेर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट विच मेक एन इकोसिस्टम। वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, नेचुरल, मैनमेड, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, वी हैव कवर्ड। वी हैव ऑल्सो कवर्ड इकोटोन। नाउ कम्स हियर फंक्शंस। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन द क्लासरूम अबाउट फूड चेन, फूड वेब। वी हैव नॉट कवर्ड पिरामिड, पिरामिड विल बी कवरिंग टुडेज़ क्लास, बट द बेसिक फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम वी हैव ऑलरेडी गॉन इनटू दैट, राइट। देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट फूड चेन, फूड वेब, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ 10%, राइट। फॉर फूड चेन एंड फूड वेब we have covered this concept of law of 10%, Lindemann's law of 10%, right? This concept we have covered, 10% law, you know? 10% law mein maine bataya tha ki koi bhi ecosystem hai, koi bhi living organism hai, that always there is 90% loss average, only 10% is gets to the next trophic level. This part we have covered. Now coming to here a few more concepts which we are going to cover in the classroom. When we study about the subject of ecology and habitat, the concept of habitat, we have discussed one area, that is a ecotone. Ecotone is a merging or, you know, mixing or transition of two and more ecosystems. We have covered that classroom there. Now another thing about habitat is this one, concept of niche or ecological niche. Now what is niche here? I'll put into three forms here. First is a specialized habitat. Sometimes it is also called macro habitat, habitat within habitat. Habitat is simply living place. जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उनके जो हैबिटेट रहने के स्थान में उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होते, इसको बोलते हैं फंक्शनल एड्रेस। इट्स अ टाइगर, the role of tiger is a predation, predator. So tiger will be found in grassland or forest where herbivores are there, because the food for tiger is those herbivore which tiger prey, hai na, predation karta hai, eat and survive, theek hai. If you look at dugong, sea cow, dugong sea cow lives in sea grass bed, because dugong is a herbivore, is a marine herbivore. It feed on sea grasses. So that living place where for survival, for resource, that particular animal or plant found to live, that is called niche. So yahan pe maine likha hai micro habitat, functional address where function performed. Now when we talk about niche here, what is very important here? Resources. Second thing, resources required for survival. जीवित रहने के लिए जहां पर उनको सारी रिसोर्सेस मिलता है, फूड, वाटर, है जो भी उसके क्लाइमेट है, वो एरिया कहलाएगा निश। निश इसलिए मिलता है, स्पेशलाइज्ड हैबिटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फंक्शन, रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोर, कार्निवोर या कोई भी उसका स्पेशल नेचुरल नेचर में रोल है वो आता है, एंड सेकेंड व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड जिससे वो जीवित रहता है।
it helps in survival. That's where two things are linked with niche concept. So when you say niche, could be different type of niche, like one will be food. Food is required by every organism. So food ke context mein niche could be there. Yeah, like human beings, we have so many food niches. है ना, मानव के लिए सर्वाइवल के लिए कई तरह के फूड है, लेकिन जब आप टाइगर, लायन, राइनोसेरस, एलिफेंट किसी के हम बात करते हैं तो उनके अपने पर्टिकुलर एरियाज में जहां उनको फूड मिलता है उस जगह को हम कहेंगे नश, जहां वो अपना फंक्शन कैरी करता है और उसे फूड मिल रहा है. सेम वे यहां पर जो हैबिटेट होता है, कई बार आप पढ़ेंगे हैबिटेट नश होता है. हैबिटेट मतलब जहां वो रहता है. टाइगर को खाना चाहिए तो टाइगर प्रेडेशन करने के लिए कहीं भी जा सकता है, फॉरेस्ट में, किसी भी ग्रासलैंड में जा सकता है जहां डियर या गॉट या शिप, कोई भी एनिमल्स हर्बीवोर है, तो वो उसका फूड निश कहलाएगा, जहां उसे फूड मिल रहा है. हैबिटेट निश क्या होगा टाइगर का, जहां पॉपुलेशन ऑफ टाइगर रहते हैं, ग्रुप ऑफ टाइगर रहते हैं. कहने का मतलब जो उसका माइक्रो क्लाइमेट है, जो उसका लिविंग कंडीशन है, जो जहां पर उस फॉरेस्ट में टाइगर्स रह रहे हैं, वो उसका हैबिटेट निश. हर एनिमल का एक अपना जगह होता है, जबकि वो उस इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट क्या है, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में वो एनिमल कहीं भी जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होंगे इकोसिस्टम में जहां वो रहता है और वहां उनको सारी चीजें मिलती हैं, तो वो हो गया हैबिटेट निश, लिविंग प्लेस में जो है. और कुछ ऐसे जगह होते हैं इकोसिस्टम में जैसे फॉरेस्ट, जहां उनको फूड चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए वो जाता है. कई बार क्या होता है एनिमल वर्ल्ड में, विच इज अ पार्ट ऑफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग. जैसे बर्ड्स आते हैं, है ना, बर्ड्स कम टू वेयर, ग्रासलैंड. बर्ड्स कम टू वेटलैंड, व्हाई दे अराइव टू वेटलैंड, ग्रासलैंड, फॉर ब्रीडिंग पर्पस. अब मैं एग्जांपल देता हूं, ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल मरीन टर्टल है, कहां रहता है, ओशन में. द लिविंग प्लेस ऑफ ओलिव रिडली टर्टल इज ओशंस, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, दे लिव इन द वाटर. बट व्हेन इट हैज टू गिव बर्थ और व्हेन इट हैज टू गिव यंग यंग वंस लेइंग एग्स, फॉर लेइंग एग दे कम टू बीचेस, जो बीच वगैरह होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां वो अंडे देते हैं, तो उसको हम हैबिटेट निश नहीं बोलेंगे, उसको कहा जाएगा रिप्रोडक्शन. यहां जो है रिप्रोडक्शन के और ब्रीडिंग के पर्पस में आता है. ये भी एक फंक्शन है विच दैट मरीन टर्टल हैज टू कैरी आउट, अंडे देने के लिए उसको जगह, जैसे गहीर माथा, रुसिकुलिया, रुसिकुलिया, गहीर माथा इन उड़ीसा आर रिप्रोडक्शन निशेस. मैं और एग्जाम्पल देता हूं, साइबेरियन क्रेन कमिंग टू केवला देव, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन निश, वेर दे कम आफ्टर चेंज ऑफ सीजन. कहने का मतलब है निश एक नहीं होता है, कई तरह के हो सकते, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्स. फूड निश हो सकता है, जहां रहना होता है फिजिकल हैबिटेट वो निश हो सकता है, जहां उनको रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग के लिए चाहिए उसके लिए निश हो सकता है. तो कोई जनरलाइज नहीं करना है, जनरलाइज दो चीज समझना है, जीवित रहने के लिए संसाधन और दूसरा कार्य, व्हाट आर द वर्क, कार्य क्या करते हैं, व्हाट फंक्शन इट कैरीज आउट. अब कई बार जैसे ये एग्जांपल भी है, अगर मैं, आई विल गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल, इफ यू टेक अ ट्री, सिंपल यू टेक अ ट्री, डिफरेंट बर्ड्स हैव गॉट डिफरेंट निशेस, राइट. सर्टेन बर्ड्स विल लिव ऑन द ब्रांचेस, बट हियर विल बी द निश, सम बर्ड्स विल बी हियर, other birds will be living here, some birds will be here. So tree is a habitat, but depending on jahan wo jeevit reh sakta hai, jahan usko survival milta hai, unhone apne apne niches bana rakhe hain. Hai na, ye bhi niche to kaisa niche hai, habitat niche hai. Ye habitat ho gaya na, ki one type of bird live here within the trunk of the tree, another type of bird live on the branches of the tree, another type of tree lives on the bottom part of the tree, on the top of the tree. तो मतलब क्या है, उनके habitats हैं, है ना, उनके क्या है, habitats, रहने के जगह, ठीक है. अब यही bird जो है
किसी पर्टिकुलर जगह जाके फूड फूड ढूंढते, वर्म, कई बार होता है ना वर्म, है ना, वर्म वगैरह होता है। आपने देखा होगा कि बर्ड कहीं जाके वर्म या जो भी है वो लेके आता है अपने नेस्ट पे, है ना। तो जहां पर उसको फूड मिल रहा है वो कहलाएगा फूड निश। दैट इज वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ निश का, ये मतलब होता है। तो इसको कनेक्ट करना होगा। ये इकोलॉजी इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद डे टू डे लाइफ। एग्जाम्पल, अब जैसे क्वेश्चन आया था इंडियन स्क्विरल का, कहाँ इंडियन स्क्विरल रहेगा, ये क्वेश्चन था ना यूपीसी 2023 में। अगर निश का कॉन्सेप्ट लगाए, निश का कॉन्सेप्ट इंडियन स्क्विरल के साथ कनेक्ट करें, तो इसका हैबिटेट निश क्या होगा? पेड़ के नीचे बरो होता है, इट मेक्स अ बरो, बरोइंग एनिमल है ना ये जो बरो है, तो वो क्या है उसका हैबिटेट निश है। कई बार आपने गिलहरी को देखा होगा स्क्विरल, वो कभी ब्रांचेस में जाता है, कई बार ट्री के ऊपर कहीं पर रहेगा, फूड को कलेक्ट करता है नट। अब वो नट कहाँ मिलेगा, नट या फ्रूट यहां मिलेगा, ट्री से गिर रहा है ना ये जो नट्स है। ये स्क्विरल क्या करेगा, वहां जाएगा नट के पास, ये होता है ना जहां उसको फूड, ये क्या हो गया फूड निश। लेकिन वो रहता वहां नहीं ना, उसको जो खाना है खाना वहां मिल रहा है, कहां रहता है बरो करता है, तो ये हो गया हैबिटेट निश। दिस हैबिटेट जहां उसे नट फ्रूट जो भी फूड मिल रहा है वो हो गया उसका फूड निश। बंद दिमाग से नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं। अभी यूपीएससी ने इंडियन स्क्वायर पूछा है, अगले बार इंडियन स्क्वायर नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को लिंक किया है। अगर किसी को निश क्या है पता है तो डे टू डे लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकता है, और ये सब एग्जाम्पल बुक में नहीं मिलेगा। अभी मैंने मरीन टर्टल के बारे में एग्जाम्पल दिया, अब मरीन टर्टल है लेट से ओलिव रिली टर्टल, अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, ओलिव रिली टर्टल लिव्स इन ओशन, ये मरीन टर्टल है, तो वेयर डू यू फाइंड, सो देयर हैबिटेट निश क्या रहेगा, सर्टन पार्ट ऑफ ओशन यहां पर है, सी एन ओशन वेयर दे लिव। बट वेन इट कम्स टू गहीर माथा, इन गहीर माथा और ऋषिकुलिया इन उड़ीसा, इसका फूड निश नहीं है, फूड निश तो फूड होता है, ये रिप्रोडक्शन निश हो गया। फूड निश कहां होगा, विद इन द ओशन। जैसे ऑलरेडी टर्टल को जेली फिश चाहिए, ओमनीवोर होता है, तो जहां होगा समुद्र में उसको भोजन मिल रहा है, कहां मिलेगा नॉर्मली, ये सब टर्टल्स कहां पाए जाते हैं, फोटिक जोन, लाइट जोन, डीपर पार्ट में नहीं होता है। तो जहां पर ब्रीडिंग ऑफ, जहां पर ज्यादा कॉन्ग्रोमेट ऑफ फिश होता है या जेली फिश होता है, वहीं पर ऑलरेडी जाएगा भोजन के लिए, फूड के लिए। सिंपल एग्जाम्पल, टाइगर, टाइगर मैंने क्या बताया, टाइगर कैन बी एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ जगह पे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल बी लिविंग, हैबिटेट निश। फिर वो टाइगर क्या करता है, ग्रासलैंड जाता है और क्या करता है, प्रेइंग, प्रेडेटर मारता है वो, है ना। तो जहां वो मार के खा रहा है तो उसका फूड निश हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें रटने के मतलब ही नहीं है, ना तो आपको रटना मारना है ना याद करना है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। क्या चीज है, फंक्शन, रिसोर्स, दैट इज व्हाट कम्स हियर टू कॉन्सेप्ट, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन हियर। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन टेक वाटर बॉडीज, यू कैन टेक डेजर्ट, यू कैन टेक ग्रासलैंड, यू टेक फॉरेस्ट, यू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल, सब जगह ये एग्जाम्पल सेट होता है। तो यही चीज मैंने हैंड आउट में दिया है, इफ यू गो टू द हैंड आउट हियर, दिस हैंड आउट हियर is what is given. The habitat is specific locality with a particular set of conditions where organism live. Pasture and water, फिर यहां पर है क्या डेफिनेशन है, पोजिशन दैट एनिमल ऑक्यूपाइज इन अ हैबिटेट, उस गिवन हैबिटेट में क्या पोजिशन है, ठीक है। फिर क्या, इट इंक्लूड्स फिजिकल स्पेस वेयर द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एंड इट्स रोल, ROLE, रोल, फंक्शन, क्या काम है उनका, यू कैन से इट इज द ऑफिस ऑफ द एनिमल, जहां वो अपना काम करता है, रोल इन दैट हैबिटेट इन टर्म्स ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, अदर इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे चीजें यहां पर आते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने क्लास में बताया था, पॉपुलेशन
group of species, conscious species of the same species, group of members of same species inhabiting an area, like tiger population, all tigers in an area, elephant population, all elephants in an area, that is a population. Then I mentioned this community. What is community? What is community means? Group of different species, tiger, lion, human, all animals together. ठीक है? Ecosystem. मैंने बताया था यहाँ पर abiotic and biotic interactions, self-sustaining system. अब यहाँ पर क्या concept है? अब जब ecosystem की जब बातचीत की जाती है, अब जैसे forest, grassland, desert, river, lake, ocean, you take any example, coral reef, mangroves, whatever. Now when you take ecosystem as an example, now when you say self-sustaining, that means here, what is it here? It has self-regulation. It controls itself. I'm talking natural ecosystem, not man-made. Natural type of ecosystems are self-sustaining. Now I'm writing a very important word here. It is a biological term. Homeostasis. Regulation होता है खुद को control करना. अब जैसे ये समझो कि कोई भी system होता है, ये कोई system है. अब system could be human body, system could be a motor or engine. सिस्टम कुड बी एनी काइंड ऑफ थिंग. इसमें क्या होता है? इनपुट चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना. अब मैं एग्जांपल देता हूं, कार का इंजन है ये. कार के इंजन को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए. अब वो क्या करेगा? इंजन पेट्रोल डीजल को बर्न करेगा ना, काम करेगा. और फिर क्या होता है? आउटपुट क्या होगा? आउटपुट प्रोपल्शन, गाड़ी मूव करेगी ना. एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, पेट्रोल और हाइड्रोकार्बन जो भी बर्न हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? वो रन करेगा रोड पे. क्या है उसका आउटपुट? है ठीक है. और आजकल उसके लिए क्या जरूरी होता है? कभी जब हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है, कभी एक्सेलरेट करते हैं ना, कभी हम रोकते हैं, तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है? फीडबैक सिस्टम होता है. वहां फीडबैक किसके थ्रू हो रहा है? मैनुअल ह्यूमन, कि आगे भीड़ है या सिग्नल आने वाली है, तो अपन क्या करते हैं? स्लो कर देते हैं. जब रास्ता खाली होता है क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं. यही है ना. अब आजकल एडवांस एडवांस इंजन में क्या होता है? सेंसर. सेंसर पता है ना, सेंसर क्या करता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है स्पीड का जो होता है, कि 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं. तो ये सिस्टम कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है. यू कैन टेक दिस सिस्टम एज एग्जाम्पल ऑफ इवन एसी ऑल्सो. देयर सेंसर लगे होते हैं ना. सेंसर किस पे काम करता है? इन्वर्टर फैक्टर, टेम्परेचर क्या है रूम का, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है ना. तो वैसा ही ग्रासलैंड भी है, वैसा ही फॉरेस्ट भी है. या किसकी बात हम करें? इकोलॉजिकल सिस्टम. क्या क्या इनपुट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का? क्या क्या इनपुट होगा? लाइट, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, ह्यूमिडिटी, यही सब फैक्टर्स है ना. और ग्रासलैंड में और क्या क्या होते हैं? ग्रासेस, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग चीज होते हैं ना. और वो बंद तो नहीं है, खुला हुआ एक्सचेंज होता है, फूड चेन, फूड वेब इंटरेक्शन, तभी ग्रासलैंड सर्वाइव कर रहा है ना. तो ग्रासलैंड क्या हो गया? ग्रासलैंड क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है? वहां पर इनपुट है. ग्रासलैंड क्या करता है? काम करता है. फंक्शन क्या है? फंक्शन आउटपुट है, ठीक है. और वो खुद से रेगुलेट होता है. फीडबैक मतलब सेल्फ रेगुलेशन, यही है ना जो मैंने वर्ड लिखा है. क्या लिखा है? सेल्फ रेगुलेशन. नेचर में क्या होता है? जब आग लगने के बाद, जैसे ग्रासलैंड में आग लग गया, जल गया वो, है ना, चाहे वो इंसान जला दे ग्रासलैंड को, या नेचुरली हॉट वार्म कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग, जल जाए वहां, आग लग जाए, क्या हम पाते हैं? आफ्टर कुछ दिनों के बाद, या कुछ महीनों के बाद, या कुछ सालों के बाद, फिर वापस ग्रासलैंड आ जाता है, आता है ना. वहां जाके हम प्लांटिंग नहीं करते हैं कि अब चलो ग्रासलैंड खत्म हो गया, अब ग्रासलैंड को लाना है वापस, तो जाके हम आर्टिफिशियली प्लांट नहीं करते, वो ग्रासेस खुद से खुद आते हैं.
यही है ना रेगुलेशन. आफ्टर सम टाइम्स ग्रासलैंड कम बैक, रिबाउंस बैक. टाइम लगता है लेकिन आता है, वो फॉरेस्ट भी कम बैक हो जाता है. ये सब नेचुरली होता है, नेचुरल है ना, इसमें ह्यूमन की जरूरत नहीं है. ओवर कई बार 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, हो सकता 100 साल भी लग जाए, सिस्टम काम करता है. मैं इसको और बड़े लेवल पे ले जाता हूँ, बड़े इकोसिस्टम में, अर्थ एक इकोसिस्टम है. अर्थ में भी कई बार क्या हुआ है, डिजास्टर्स हुए हैं. अर्थ भी कितनी बार खत्म हुआ है, फिर हजारों साल के बाद फिर अर्थ आ गया. अर्थ आ गया मतलब लिविंग थिंग आ गया. ऐसा है ना, देयर वर वार्मिंग, कूलिंग, सब कुछ हुआ, आइस एज हुआ, 5 बार मास एक्सटेंशन हुआ है, फिर दोबारा पृथ्वी पे जीवन आ गई. आया क्या नहीं है, क्या है वो सेल्फ प्रोडक्शन है ना, ये अपने आप होता है, सिस्टम वर्क इटसेल्फ. तो कहने का मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस का जो होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस जो बोलते हैं ना, बैलेंस इन नेचर. प्रकृति संतुलन बनाए रखती है. कैसे संतुलन बनता है, होम्योस्टेसिस, एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया है, इनपुट आउटपुट फीडबैक. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है साइंटिस्ट का, हिज नेम इज नॉर्मन बाइनर. ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टीयरिंग, और इसको कहते हैं साइबरनेटिक. आपको यह समझना होगा कि हम इकोसिस्टम क्यों बोलते हैं, सिस्टम क्यों नाम दिया गया. इकोलॉजिकल यूनिट भी बोल सकते थे, इकोलॉजिकल समथिंग कुछ और नाम होता, लेकिन क्यों टेंसले ने, हु इज द टेंसले, ही इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम. आर्थर जॉर्ज टेंसली ने एक वर्ड यूज किया, इकोलॉजिकल सिस्टम. ही यूज द वर्ड सिस्टम, ही हैज नॉट सेड इकोलॉजिकल यूनिट और इकोलॉजिक समथिंग एल्स, बिकॉज ही वॉज रिलेटिंग विद दिस कॉन्सेप्ट कि एवरी नेचुरल इकोसिस्टम, रिवर, वेटलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, वट एवर, इट अंडरगोज थ्रू दिस काइंड ऑफ चेंज. और कई बार ये नेचुरल जो है, नेचुरल इक्विलिब्रियम जो है, नेचुरल थिंग, इट इज ऑल केप्ट. अगर ये नेचुरल नहीं होता तो कोई भी अर्थ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या कोई भी ऐसी चीजें जो हमें दिखता है वो नहीं होता. एक बार खत्म होता खत्म हो जाता, वापस नहीं आता. तो हम क्या पाते हैं, हजारों साल के बाद फिर वो वापस आता है. क्यों वापस आ रहा है, ये चीज ये काम कर रहा है, ठीक है. ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी लॉस. मान लो कि सिक्स मास एक्सटिंक्शन हो गया, ये भी कहा जा रहा है ना, टेम्परेचर ऑफ अर्थ गोज बियॉन्ड 3 डिग्री, 5 डिग्री, सिक्स मास एक्सटेंशन हो गया, फिर हजारों साल बाद फिर अर्थ वापस उसी स्टेट पे आ जाएगा. क्यों आएगा, ये सेम है, होमियोस्टेसिस. डिस्टरबेंस होने के बाद जो होते हैं ना बाउंस बैक, वापस आएगा वो. ये हुआ है प्रलय के बाद, फिर से दोबारा प्रकृति वापस हुआ है. तो ये चीज है फैक्ट, जो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ये चीज है. तो सेल्फ रेगुलेशन को समझना है, इसका मतलब क्या है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है. यू राइट समथिंग, आई डिक्टेट अ पैराग्राफ, जस्ट राइट देयर. नाउ राइट दिस, अर्थ एज अ बायोस्फियर, प्लीज राइट समथिंग ऑन द अर्थ एज अ बायोस्फियर. अर्थ एज अ बायोस्फियर मेंटेन्स मेंटेन मेंटेन इक्विलिब्रियम. अर्थ एज अ बायोस्फियर मेंटेन इक्विलिब्रियम विद दिस, विद द हेल्प ऑफ, मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. गिविंग गिविंग ए फुल स्टॉप देयर. फीडबैक मैकेनिज्म, अ पॉजिटिव फीडबैक, ए पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस दी आउटपुट. अ पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस दी आउटपुट, दैट इज अ फंक्शंस. इंक्रीजेस दी आउटपुट, आउटपुट दैट इज फंक्शंस, कॉमा फंक्शंस, कॉमा वेर एज नेगेटिव फीडबैक, वेर एज नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द आउटपुट. वेर एज नेगेटिव फीडबैक डिक्रीजेस द आउटपुट. गिव फर्स्ट ऑफ देयर.
It is same paragraph. It is mainly MAINLY. It is mainly negative feedback. It is mainly negative feedback that maintains steady state, steady STADY, that maintains steady dash state, steady state equilibrium, steady state equilibrium, that maintains steady state equilibrium. Negative चीज है, negative चीज होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा growth positive नहीं होना चाहिए, वो भी खतरा होता है. अगर forest grow करता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए nature क्या करता है, check and balance. Negative चीजें वहां आती है, negative का होना बहुत जरूरी है. और जब मैंने क्या लिखा है, mainly negative जो feedback होता है वो क्या करता है, कोई चीज जब आगे की ओर बढ़ रहा है फिर वो पीछे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर लाता है वो, ताकि वो जो इक्विलिब्रियम होता है ना, बैलेंस, वो बना रहे, वो बैलेंस बना रहे बहुत जरूरी है. अब वही चीज आप कहाँ रिलेट करोगे, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, इतना तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें सब कुछ कर रहे हैं, क्या हो रही है, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है. ठीक है, तो फिर वही मैं कहता हूँ ना, कैटास्ट्रॉफी, प्रलय, जब वो इवेंट होगा, कयामत की रात, कयामत जिस दिन होगी, ठीक है, आएगी जो है, जिस दिन होगा वही वापस ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, इक्विलिब्रियम में, फिर वहां पर इक्विलिब्रियम होगा. बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं फोन पे, इसका पता नहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इधर रिंग हो रहा है, कैसे हो गया, मैंने तो मोबाइल डाटा बंद कर दिया, इसके बावजूद भी आ जाता कॉल. हाँ नहीं, मैंने वाईफाई भी नहीं रखा है, मोबाइल डाटा भी ऑफ है, ऐसे कैसे कॉल आ सकता है, हैक हो गया, ऐसे भी होता है क्या, नहीं वही मुझे लगा कि ये आना तो नहीं चाहिए. एक सेकंड, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, जो परेशान आत्मा है. हाँ बंद कर दिया मैंने, ऑफ, अब नहीं आएगा कॉल. ठीक है, बेस्ट तरीका वही है, स्विच ऑफ कर देना. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इसी को यहाँ पर एक वर्ड भी कहा जाता है, एक वर्ड है दिस वन, इकोलॉजिकल कैस्केड. क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल कैस्केड. क्या इकोलॉजिकल कैस्केड समझाता हूं मैं, ग्रास, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट, फूड चेन, डियर, टाइगर. लेट्स टेक दिस एग्जांपल, सपोज ग्रास ग्रोज वेरी फास्ट, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल है ना, रेनफॉल वगैरह के बाद अच्छे कंडीशन से इट ग्रो वेरी फास्ट. तो ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो गया ना, अच्छे बारिश होने के बाद, अच्छे कंडीशन होने के पास ग्रास का ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ, तो ये एडवांटेज है डियर के लिए, ज्यादा ग्रास मिलेगा तो ज्यादा वो खाएंगे है ना, तो उनका ग्रोथ होगा. इसका क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ये डियर जो है, पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर विल इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Why? Because food is abundant. Food is abundant. जब food ज्यादा होगा तो grow करेंगे. वही इंसान के साथ भी होता है ना, जब हमें resources मिलने लगते हैं तो हम लोग multiply करते हैं तो grow करेगा. ये किसके लिए advantage है, tiger के लिए, कि पहले tiger को खाने को 10 हिरन मिल रहा था, अब tiger को 100 हिरन मिलेगा तो वो भी multiply करेगा. ठीक है, this also lead to increase in population of tiger in that area. Now what all these are there, all these are positive, sare positive hai na, ye bhi positive hai, ye bhi positive hai, ye cheez hai na. Ab tiger population multiply hua, kuch time ke baad kya hoga, tiger population zyada khane lagega, deer start eating more deer, ya tiger ke beech mein competition badh jayega, crowding bhi hota na, aisa nahi hai ki
क्राउडिंग नहीं होगा एनिमल्स का, ये चीज इंसान के साथ भी हो रहा है ना। जहां पहले इंसान एक घर में मजे से रहता था, उसी घर में अब 10-20 लोग रह रहे हैं। कमी है ना रिसोर्सेस की, कम हो रहे हैं ना रिसोर्स वहां पर, स्कार्सिटी हो रहा है वहां पर। वही कहानी यहां पर ही है। अब टाइगर 10 था 100 हो गया, तो डियर, अब डियर खाना चालू किया, अब डियर का पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। अब दूसरे वर्ड में देखो आप, ग्रास बढ़ा डियर भी बढ़ा। अब डियर ज्यादा खाएगा तो ग्रास कम हो जाएगा, ठीक है। अब डियर बढ़ने के कारण टाइगर बढ़ा, टाइगर बढ़ने के बाद टाइगर ज्यादा खाएगा डियर, तो डियर कम होगा, जब डियर कम होगा तो ग्रास फिर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कैस्केड, इंक्रीज एंड डिक्रीज, अंटिल इट मेंटेन्स अ पॉइंट्स अ बिकम्स अ बैलेंस्ड, कि उतना ही ग्रास होगा जितना डियर सस्टेन किया जाएगा, और उतना ही डियर होगा जितना टाइगर सस्टेन हो। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये चीज है ना कि यहाँ पर जो ग्रो करेगा, अब ज्यादा ग्रास ग्रो होगा तो डियर ज्यादा हुआ, अब डियर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये ईट मोर ग्रास, है ना। अब ये ग्रास ज्यादा खाने लगा तो ग्रास पर अब क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब से अब इससे क्या होगा, ग्रास डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होगा। जब डियर ज्यादा बढ़ जाएगा तो ग्रास ज्यादा खाएगा, तो ज्यादा खाने में क्या, ग्रास डियर डिक्रीज करेगा, तब ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव हो ना। बहुत ज्यादा डियर है, टाइगर इंक्रीज कर रहा है, अब टाइगर ज्यादा ईट करेगा, जब टाइगर ईट्स मोर, ईट मोर डियर, तो व्हाट विल हैपन देयर, द डियर पॉपुलेशन विल डिक्रीज। जिसको कहते हैं कैस्केड, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग टिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इसीलिए कहा जाता है हर जगह के लिए एक अपना टिपिंग पॉइंट होता है, या दूसरे वर्ड बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही होता है। और ये मैंने बताया कि वी एज अ मैन, वी आर ऑल्सो स्पीसीज, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ जिस दिन कैरिंग कैपेसिटी ऊपर जाएगा तो वहां ये भी हमारे साथ भी होगा। वी आर द टॉप ऑफ द फूड चेन ना, फूड चेन, फूड वेब का टॉप लेवल कौन आता है, मैन आता है, मैन इज देयर। जिस दिन वहां हमारे नीचे के रिसोर्सेस कम होंगे, वो ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा। अब वो हो भी रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी क्यों हो रहा है। ये अभी ऐसा नहीं है कि सहारा रीजन में, अफ्रीका में जो अभी स्कार्सिटी है वाटर का, फूड का, जो भी हो रहा है ना, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं ना, क्लाइमेट हो रहा है, जो भी हो रहा है वो तो इंसान के ही जरूरत हो रहा है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। अभी हम 2023 में, 2050 के बाद अभी हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, आफ्टर दैट इम्पैक्ट फिर भी दे। आप यही चीज कनेक्ट करो, देखो मैं बता, इकोलॉजी सब्जेक्ट आप केवल स्टैटिक बल से नहीं पढ़ो, आप माल्थस का जो नियम है ना, व्हाट इज माल्थस नियम, ये है ना माल्थस का, एक जगह पिक करेगा सैचुरेट, फिर क्या होता है, डिक्लाइन। ये सब कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, आप यहां भी कनेक्ट करोगे इकोलॉजी के साथ, एक टाइम पे बाद जाने के बाद डिक्रीज करता है। मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, काजीरंगा, मानस, राइनो पॉपुलेशन। अब हमने राइनोस को बढ़ाना चालू किया, अब छोटा सा पार्क है, अब राइनो की संख्या बढ़ जाए तो वो हार्मफुल है, हार्मफुल है, तो उसमें क्या करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राइनो को शिफ्ट कर देते, कोई और एरिया ले जाते। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि एक ही एरिया में राइनो जब बढ़ गया तो वहां का ग्रास कम हो जाएगा, फूड चाहिए ना, हर्बीवोर है, ग्रास कम होगा तो किनको नुकसान होगा, राइनो को होगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस केस में क्या करता है, राइनो को ट्रांसलोकेट कर देता है। एक विजन है इंडियन राइनो विजन, जो कि असम में किया गया, छोटे नेशनल पार्क पबूतरा से मानस में लाया गया। ये चीज है ना, कैस्केड का मतलब यही है, चेन ऑफ इवेंट्स विच कैन ट्रिगर द पार्ट ऑफ इट। आई कैन गिव यू हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक बार आपने किताब पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ गए, सोचो आप, थिंकिंग ब्रेन अप्लाई करो, आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाए। जब आप न्यूज पढ़ते हो, करंट न्यूज, तो खुलकर आप उसको करो, आप ये नहीं कि न्यूज खाली पढ़ना, उसको रिलेट करना कॉन्सेप्ट के साथ। अभी जब मैंने राइनो बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों शिफ्ट करता है, और ये टाइगर के लिए भी है, टाइगर हम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट टाइगर, सपोज बंडीपुर या सरिस्का या कोई भी टाइगर रिजर्व में,
है ना, हमने क्या किया, टाइगर को बचाया, और टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया तो वो हार्मफुल है वहां के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। और फिर हमें क्या करना होगा, टाइगर को कहीं और ले जाना होगा। अगर हम नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, टाइगर तो हमने बढ़ा लिया तो वो हमारे लिए क्या अचीवमेंट है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, जिस जगह पर इकोसिस्टम 100 टाइगर्स को सस्टेन कर सका, अब हमने क्या किया, कंजर्वेशन की जगह पे 1000 टाइगर्स कर दिया, वो इकोसिस्टम नहीं कर, कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा। फिर वो 900 टाइगर्स के लिए हमें अलग रिजर्व बनाने होंगे, कहीं और ले जाना होगा। यही कॉन्सेप्ट है ना, यही करे कैस्केड, ऊपर नीचे होना, बैलेंस करना। होम्योस्टेसिस का मतलब यही होता है, होम्योस्टेसिस बायोलॉजिकल वर्ड, बट यू थिंक विद एन ओपन काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इक्विलिब्रियम, नेचर मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, या तो हम करें या तो नेचर करेगा, यही रास्ता है, या इंसान करे या तो प्रकृति खुद करेक्शन करेगा। दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द रूल ऑफ द नेचर। सो दैट आई हैव गिवन हियर। व्हेन यू कम टू दिस वन, बायोमास, क्या होता है बायोमास, टोटल ड्राई वेट होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का टोटल ड्राई मास, दैट इज कॉल्ड बायोमास। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज विल बी कवरिंग पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये सारा यहां पर रहेगा। ये बता चुका हूं, इकोलॉजी कहां से इकोलॉजी आया है, विच सब्जेक्ट, लाइफ साइंस, लास्ट सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी से इमर्ज किया। इकोलॉजी सब्जेक्ट ज्योग्राफी से नहीं आया, ज्योग्राफी में भी लिंक, बट इट हैज कम फ्रॉम बायोलॉजी, ये पार्ट है यहाँ पर। फिर डिफरेंट लेवल्स, ये मैंने बताया था, अनस्टेकल ही गेव द वर्ड ऑइकोलॉजी, राइट, निश, अगेन आई वुड डिस्कस दैट। देन व्हेन यू गो टू नेक्स्ट पेज, फूड चेन, अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आई हैव डन ऑलरेडी इन द क्लास। व्हाई आई गेव यू हैंड आउट टू सप्लीमेंट व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव डिस्कस अबाउट फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हु ईट हुम, कौन किसको खा रहा है। और मैंने क्या बताया था, बहुत तरह के फूड चेन होते हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा डेट्राइटस, डेड मैटर्स, है ना, डिकम्पोजर वगैरह बताया था, जो मैंने लास्ट क्लास बताया संडे को, उसको रिकॉल करना है। और मैंने ये भी बताया था, ये सब स्टैटिक पार्ट है, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, काम खत्म, उसके पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी बुक, एनसीईआरटी बुक, लास्ट चैप्टर्स, वंस यू हैव डन इट, इट्स डन, फिर दोबारा उस पर नहीं जाना है ना। कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो मैंने बताया कि जो चीजें इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, करंट एस्पेक्ट, वो सब चीजों पे करना है। तो ये पार्ट हम लोगों ने कवर किया था, फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी लेवल है, ये मैंने बताया, प्रोड्यूसर, पोर प्रोड्यूसर, फर्स्ट लेवल, विच मेक फूड, क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन बना सकता है। दूसरा क्या है, कंज्यूमर, क्या है वो, हेटरोट्रॉप्स, जो अपना भोजन नहीं बना सकता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। और कई बार यूपीएससी में क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच आर ओमनीवोर्स, 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल, जैसे टर्टल, टॉर्टोइज ओमनीवोर है, मैन इज ओमनीवोर, राइट, मेनी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो ओमनीवोर, तो वहां पर ये चीज है। फिर डिकम्पोजर मैंने बताया था, बैक्टीरिया, फंजाई, क्यों उसको डिकम्पोजर बोलते हैं, दे ब्रेक डाउन, क्या ब्रेक डाउन करते हैं, डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उससे उनको एनर्जी मिलता है ना। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर ये टाइप्स ऑफ फूड चेन, डेट्राइटस, डेड मैटर, जैसे लीव्स, डेड लीव्स, बैक्टीरिया, और उसे कैसे फंजाई, बैक्टीरिया, सिंपल एग्जाम्पल, एक बार पढ़ लिया हो गया, दोबारा फिर उस पर नहीं जाना है। फिर ये चीज है जो ग्रेजिंग फूड चेन, क्या होता है इसमें, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, है ना, जो नॉर्मल फूड चेन होते हैं, लैंड और वाटर दोनों का, वो पार्ट यहां पर है। फूड वेब बताए तो व्हाट इज फूड वेब, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, मल्टीपल फूड चेन्स कंबाइंड टूगेदर, वेयर देयर मल्टीपल प्रोड्यूसर्स, मल्टीपल हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और एनर्जी क्या होता है, मल्टीपल पाथ, है ना, कई डायरेक्शन फ्लो होता है, तो दैट इज फूड वेब। और मैंने एक चीज बताया था लास्ट क्लास में, कॉम्प्लेक्स फूड वेब इज मोर स्टेबल, क्यों स्टेबल है ज्यादा, अगर फूड वेब कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा ऑप्शन, जैसे मैन, मैन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड वेब, हमारे लिए बहुत सारा फूड है, हम किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं, एक खत्म हो गया दूसरे से हम सर्वाइव कर जाएंगे। अब आप इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसा एनिमल है, कोई ऐसा हर्बीवोर है जिसका लिमिटेड फूड चॉइस है, एक या दो ही है, अब वो नहीं मिला तो खत्म हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ऑप्शंस होंगे
तो उस एनिमल के लिए बेनिफिशियल है। तो कॉम्प्लेक्स फूड वेब जो होते हैं वो ज्यादा यहाँ पर क्या है स्टेबल होते हैं। अब मैं पिरामिड कॉन्सेप्ट में आऊंगा, लेट अस गो इनटू द पिरामिड कॉन्सेप्ट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है? तो आप रिलेट कर पाओगे, हैंड आउट बाद में जब घर में जाके पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना? एक बार चीजें आप समझ जाए तो यू विल बी एबल टू रीड देयर। तो नाउ कमिंग टू इकोलॉजिकल पिरामिड, नाउ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी बट स्टिल आई राइट द नेम, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर चार्ल्स एल्टन, ही गेव दिस कॉन्सेप्ट। आई रिटन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये आइडिया दिया, पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है देने वाला एल्टन है, एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं, राइट? एवरी सब्जेक्ट हैज कंट्रीब्यूटर्स, सो ही इज द साइंटिस्ट देयर। नाउ व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आई विल मेक अ फ्लो चार्ट, यू कैन ड्रॉ द फ्लो चार्ट। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इन द पिरामिड, वी रिप्रेजेंट इन ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी लेवल जो बोलते हैं। सो हियर ऑर्गेनिजम्स इन फूड चेन रिप्रेजेंटेड, यू राइट इन द सेम वे। आप ध्यान रखना कि मैं जिसको बोलते हैं माइंड मैप, सारा मैं बनाया तो उसको सारे पॉइंट को, की पॉइंट को लिख लेना है। तो यहां पर क्या फूड चेन रिप्रेजेंटेड इन, एंड आई एम राइटिंग इन इनवर्टेड कॉमा, मैं तो हट भी जाऊंगा पीपल जो नहीं देख पा रहे, ट्रॉफिक लेवल अंडरलाइन करते, आई गो स्लोली सो दैट यू आर एबल टू राइट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एनिमल जितने भी हैं, उनके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, एनर्जी भी है, नंबर भी हो सकता है, बायोमास भी है। आपने देखा होगा पिरामिड है ना, बॉटम से ऊपर जाता है। अब इसमें दूसरी बात क्या है, इन द बॉटम प्रोड्यूसर्स आर रिप्रेजेंटेड, ये सारी चीजें आपको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। जो बॉटम ट्रॉफिक लेवल है, इन द बॉटम ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स आर रिप्रेजेंटेड, है ना? वहां पर प्रोड्यूसर्स होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी पिरामिड हो, कोई भी, हमेशा बॉटम में क्या रहेगा, प्रोड्यूसर रहेगा, प्लांट्स वगैरह। और अगर वाटर बॉडी है तो कौन सा प्रोड्यूसर होते हैं, मैंने बताया डायटम, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, ये सब जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो हमेशा बॉटम से स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट, लिख देते उसको कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि हम ऊपर से नहीं करते हैं, वी ऑलवेज काउंट फ्रॉम बॉटम, हम नीचे से काउंट करते हैं, ये चीज है ना, विच यू ऑल हैव सीन दैट। आइदर उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ब्लॉक में, है ना, या कई बुक में ऐसा लिखा होगा, इस तरह दोनों तरीका सही है, या तो हम ऐसे ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करें या ट्राइंगल करके वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोड्यूसर यहां है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है ये, तो यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, हमेशा हम नीचे से काउंट करते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड से करते हैं, ठीक है? और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहां पर है कि जब हम स्टडी करते फूड चेन में, तीन टाइप के, थ्री टाइप्स यहां पर है। पहला कौन सा है, एनर्जी, दूसरा अभी जो मैंने बताया बायोमास, ड्राई मैटर जो होता है, तीसरा होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने नंबर्स हैं, कितने ग्रासेस हैं, कितने डियर्स हैं, कितने टाइगर्स हैं, नंबर्स की बात करते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ पिरामिड, आइदर एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड और नंबर पिरामिड से स्टडी किया जाता है। तो टू बिगिन विथ ये चीज याद रखना है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स क्वांटिटेटिव है, मतलब हम इसको मेजर करते हैं। अगर जैसे एनर्जी है किलो कैलोरी किलो जूल, बायोमास है ग्राम ग्राम किलोग्राम, नंबर 100,000, 200, 500 नंबर, मेजरमेंट हुआ ना। लेकिन फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में केवल हम नाम लिखते हैं, ग्रास डियर टाइगर। अब कितने ग्रास को टाइगर, कितने ग्रास को डियर खा रहा है, वो फूड चेन में नहीं होता,
कितने डियर्स को टाइगर खा रहा है वो नहीं दिया होता, या ग्रास सनलाइट को ट्रैप करके कितना एनर्जी बना रहा है 100 किलो कैलोरी और 1000, वो नहीं दिया होता। वो हम कहाँ पढ़ते हैं? इसमें पिरामिड। तो कहने का मतलब क्या है, पिरामिड क्वांटिटेटिव मेथड है, मेजरमेंट करते हैं। फूड चेन में क्या करते हैं, केवल रिप्रेजेंट करते हैं कि नाम दे दिया एरो, एरो मतलब डायरेक्शन, ये चीज है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब जो पिरामिड है एनर्जी पिरामिड, लॉ ऑफ 10% घटता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पिरामिड का शेप डिक्रीजिंग अपराइट। अब नंबर जो है, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। किसी भी एनिमल का है ना बायोमास, वो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पहला यहाँ पे चीज है, ये कॉपी हो गया सबका, ठीक है। आई विल नाउ चेंज द पेज, कहीं रुकना होगा तो मुझे आप बता देना, आई विल स्टॉप देयर। नाउ यू कैन राइट हियर, शेप्स ऑफ पिरामिड्स, है ना। तीनों पिरामिड के कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पर फिर मैं फ्लो चार्ट रख देता हूं। तो पहला पॉइंट ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, चाहे कोई भी फूड चेन हो, एनी काइंड ऑफ फूड चेन, इज ऑलवेज अपराइट। वेदर यू टेक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, यू टेक एनी काइंड ऑफ, क्योंकि ये रूल ऑफ द नेचर है। क्या रूल ऑफ नेचर है, एनर्जी कभी भी 100% उससे ज्यादा हो गई, अगर ऐसा हो जाता तो चमत्कार हो जाता, फिर इंसान को खाने की जरूरत नहीं होती। एक रोटी खाते 10 रोटी की एनर्जी मिल जाती है ना, ऐसा ही होता, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज है अपराइट, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज लाइक दिस, ऑलवेज विल बी लाइक दिस, है ना। लॉ ऑफ 10% यही कहता है, देर विल बी लॉस ऑफ 90%, बट नंबर एंड बायोमास कैन हैव दैट। पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी बोथ अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। Now I'll come here. If you take example of inverted pyramid, आप ये समझ रहे हैं, जब भी एक क्वेश्चन आएगा, जब भी कभी यूपीएससी ने आने वाले इयर्स में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, ये सब बोनस पॉइंट होगा। आंख बंद करके आप मार्क करो और आपको नंबर मिल गया। कई बार ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि वो यूपीएससी मौका देता है कि चलो आप इससे मार्क्स उठा दो। मतलब अगर आपको पता है पिरामिड क्या है तो एक बार हमको मालूम होगा, अच्छा ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, दिस वन, कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनी टाइप ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनी टाइप, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सी वाटर, यू टेक एनी काइंड ऑफ, बायोमास पिरामिड है इन्वर्टेड होता। कहने का मतलब नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बिकॉज बायोमास यू आर टेकिंग मास, ड्राई मास, ग्राम किलोग्राम में आप ले रहे हो। सिंपल तरीका है, मैं एग्जाम्पल बता दूँ, अगर कोई पॉन्ड है, तालाब, ठीक है, तालाब में क्या है, एल्गी है, ग्रीन कलर एल्गी है। तो अगर एल्गी को ले ले, ठीक है, पूरा पॉन्ड में हमने क्या किया, एल्गी को उठाया, ड्राई कर दिया, उसका वजन उठाया, कितना ग्राम कितना किलोग्राम, और एरिया से डिवाइड कर दिया। अगर वो तालाब जो है, मान लो कि उसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर है, पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट किया, वैसे हमने क्या किया, एल्गी को कौन खाएगा, कुछ तरह के छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि वहाँ का हर्बीवोर है, उसका भी हमने मेजरमेंट किया, उसको खाने वाले जो मछलियां हैं, फिश, उसका मेजरमेंट किया, और फिर हमने पिरामिड बनाया। तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर रहेगा, फिशेस का रहेगा, एल्गी का कम रहेगा। एल्गी क्या है, प्रोड्यूसर है। अब पिरामिड कहाँ स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से, तो एल्गी का कम मिल रहा है, उसको खाने वाला ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा खाने वाला कम मिल रहा है,
यानी हम क्या कर रहे हैं, ग्राम्स एंड किलोग्राम की बात कर रहे हैं, वी आर डूइंग द मेजरमेंट ऑफ बॉडी मास, बायोमास। ये एक्वाटिक सिस्टम में होता है, नॉट ऑन द लैंड। क्यों होता है ऐसा, ये सवाल पूछ सकते हैं ना दिमाग में, ऐसा क्यों होता है? टाइगर डियर वाला जो है, ग्रास डियर टाइगर वहां नहीं होता है, ये मैटर वो नहीं करता है कि साइज। तो आपके दिमाग में आएगा टाइगर तो बहुत बड़ा दिखता है, डियर छोटा होगा, ग्रास है तो यहां भी लागू होना चाहिए कि ग्रास छोटा है, डियर बड़ा है, टाइगर और बड़ा है, तो यहां भी तो इन्वर्टेड बनना चाहिए। तो वो बात नहीं है, एक्वाटिक में क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? आप यहां जनरलाइज कर सकते हो ना, ग्रासलैंड में हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं करते? ग्रास तो कम होगा, ग्रास कम टोटल मास और डियर, तो ऐसा जनरलाइज कर सकते हैं। तो वाटर बॉडी में ऐसा क्यों दिखता है हमें कि एल्गी कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन कम होगा, कि फिशेस का ज्यादा होगा, ऐसा क्यों है? एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है लाइफ स्पैन, कितने दिन तक जीवित रह सकते है ना। अब जैसे कि एल्गी है, एल्गी मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, ग्रो वेरी फास्ट, बट एल्गी डाई ऑल्सो वेरी फास्ट। तो ज्यादातर एल्गी का जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, उसका जो है ना डिकम्पोज हो जाता है, तो जो इफेक्टिव मास बचता है वो कम होता है। लैंड में क्या होता है, ग्रासेस होते हैं, प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसका जो लाइफ स्पैन लंबा होता है, क्या होता है, लंबे होते हैं, ज्यादा दिन तक टिकता है। तो इसमें दो चीजें ध्यान देना है, एक है एरिया और दूसरा है टाइम। जब भी हम पिरामिड में काम करते हैं ना, केवल हम एनर्जी या बायोमास या नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, हम इसको रेट करते हैं एरिया से, डिवाइड करते हैं एरिया से पर स्क्वायर मीटर, और हम क्या देखते हैं, टाइम भी देखते हैं। एल्गी कितना दिन जिंदा रहता है, एल्गी जो वाटर बॉडीज में होते हैं 2 से 3 दिन या 1 वीक बस, फिर वो डेथ हो जाता है उनका। बायोमास कब ज्यादा होगा, जब एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना, बायोमास कब ज्यादा होगा, जब चीजें एक्यूमुलेट होता है। वाटर बॉडीज में क्या है, एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, वहां पर जो चीज वहां पर ही है, यहाँ पे क्या है, वो एक्यूमुलेट रहता है। और जब टाइगर डियर खाता है, लॉप 10% अकॉर्डिंग जो उसको एनर्जी, एनर्जी का बायोमास कन्वर्जन होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि टाइगर को बहुत सारा काम करना होता है, तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। बायोमास कब एक्यूमुलेट होगा बताओ, व्हेन द बायोमास विल बी एक्यूमुलेटेड, जब वर्क कम होगा, है ना। इसका बायोमास क्यों ज्यादा है, इससे बताओ, बताओ इस दोनों को, मैं ये देखा इसको, या सामने लाऊं मैं, हाँ आ जाओ आशुतोष, क्या आ जाओ, ये जो बायोमास है और जो मेरा बायोमास है, क्यों अंतर है? नहीं नहीं नहीं, हाइट ज्यादा नहीं है, क्यों ऐसा है बताओ? इसका रीजन यही है कि एनर्जी का जो लॉस होता है, एनर्जी लॉस, मैं वर्कआउट नहीं करता हूं, है ना, आलसी इंसान हूं मैं, ज्यादा खाता हूं मैं, यही है ना, कहीं भी गए खा लिया पूरा, वर्कआउट नहीं, तो वो एनर्जी कहां जाएगा, कहीं तो एनर्जी एक्युमुलेट करना है ना। फैट्स, इसको बोलते हैं फैट, फैट्स क्यों बनता है, बायोमास यही है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, वो उतना ही खाता है जितना इसको जरूरत है, और खाने के बाद भी वो डाइजेस्ट भी कर जाता है, यूज अप हो जाता है उसका एनर्जी। इसका जो मेटाबॉलिक रेट है क्या है, फास्ट है, मेरा मेटाबॉलिक रेट स्लो है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे में जो एनर्जी इनपुट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, इसमें एनर्जी इनपुट वो उतना ही ले रहा है जितना इसको जरूरत है, यही फर्क, लैंड और वाटर में यही फर्क होता है। बायोमास बनता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जहां ज्यादा एक्युमुलेशन होगा वहां बायोमास ज्यादा होगा, ठीक है। डियर टाइगर वाले में क्या होता है, डियर ग्रास, ग्रास डियर टाइगर में, क्योंकि वहां पर डियर एज ए हर्बीवोर, व्हाटएवर ग्रास इट फीड, व्हाटएवर एनर्जी इट गेट्स, 90% एनर्जी लॉस्ट, इवन द 10% दैट इवन दे मेटाबोलाइज इट। वाटर बॉडीज में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन स्लो होता है, तो वहां बायोमास जो है ज्यादा एक्युमुलेट ऊपर होता है, कहां होता है, ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे। तो इसका मेन रीजन या एनर्जी कन्वर्जन मेटाबॉलिज्म का होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, एरिया विद टाइम, एल्गी फाइटोप्लांट लिव ओनली फॉर शॉर्ट टाइम,
But fishes, shark, well, they live for months and years. है ना, वो भी चीज है. और दूसरा एक और चीज है, पता है क्या है? इवोल्यूशन. यू सी द लार्जेस्ट मैमल विल बी इन द वॉटर बॉडीज, नॉट ऑन द लैंड. तो वो बहुत सारा बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, मेनी बायोलॉजिकल फैक्टर कम्स है. कोई भी एग्जाम में, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, यू कम अक्रॉस द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्टेड बायोमास, आंख बंद करके एक्वाटिक पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, ओशन, एनी एक्वाटिक फूड विल हैव इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. दैट मीन्स द पिरामिड विल लुक लाइक दिस, ऐसा होगा. कहने मतलब एल्गी का बायोमास कम है, फाइटोप्लैंक्टन का कम है, उससे ज्यादा होगा जूप्लैंटन का, उससे ज्यादा होगा फिशेस का, इस तरह का बनता है, ठीक है. सेम विथ नंबर, इफ यू लेक, इफ यू टेक द पिरामिड ऑफ नंबर, जहां वी आर टेकिंग नंबर इनटू अकाउंट, पिरामिड ऑफ नंबर. नाउ गिव मी एग्जांपल ऑफ वेयर इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर विल बी देयर. इन्वर्टेड वन मतलब लेस टू मोर, है ना. कहां पे एग्जांपल है? ट्री इकोसिस्टम में क्या चीज, ट्री इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं. ट्री इकोसिस्टम व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन, नहीं ट्री इकोसिस्टम यू आर राइट, बट टेल मी, ट्री की जब हम बात करते थे, मेनी एनिमल्स आर लिविंग इन द ट्री, मेनी बर्ड्स लिव ऑन ट्री. व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन ऑन अ ट्री विल बी इन्वर्टेड नंबर ऑफ पिरामिड. आई एम टॉकिंग नंबर, ये नंबर की बात हम कर रहे हैं. पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासाइट्स, ये भी याद रखना है. ट्री में भी ग्रेजिंग हो सकता है ना, कि वो लीव्स से प्लांट को बर्ड्स खा रहा है या कुछ है, तो ग्रेजिंग में आ जाएगा. जब हम ट्री इकोसिस्टम में पैरासाइट की बात करते हैं, हु आर पैरासाइट्स, विच लीव ऑन होस्ट, होस्ट की बात हो रही है. उसमें जो नंबर पिरामिड बनेगा वह उल्टा होगा. सो हियर इफ यू टेक एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड नंबर पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इज पैरासाइटिक फूड चेन. यू राइट, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड पैरासाइटिक, पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन इन अ ट्री इकोसिस्टम, और सिंपली इन अ ट्री, पैरासाइटिक फूड चेन इन अ ट्री. किसी भी वृक्ष में, पेड़ पे जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स, उनकी अगर हम फूड चेन की बात करें और उसको हम नंबर से काउंट करें, नंबर कहने का मतलब एनर्जी का नहीं करना है, बायोमास नहीं करना है, केवल नंबर की बात हम करें, तो वहां पर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा. उल्टा मीन्स इन्वर्टेड, इट विल फॉर्म इन्वर्टेड पिरामिड. सो पिरामिड ऑफ नंबर इज पैरासाइटिक फूड चेन इन अ ट्री, ट्री इकोसिस्टम, राइट. हाउ इज सो पॉसिबल? सिंगल ट्री, नंबर ऑफ बर्ड्स, एंड ईच बर्ड सपोर्ट लाइस, लाइसेस जो पैरासाइट होता है, और पैरासाइट कैन सपोर्ट सुपर पैरासाइट्स. तो सिंगल ट्री 10 बर्ड्स, 20 बर्ड्स, वन बर्ड हैज 10-20 लाइसेस, और ईच लाइस हैज 10-20 सुपर लाइस, एक को दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, पैरासाइट हेल्पिंग अदर पैरासाइट. तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो नंबर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा जाता है ट्री इकोसिस्टम पैरासाइटिक फूड चेन, और आपसे नंबर पूछते हैं, तो इन्वर्टेड पिरामिड, इट विल फॉर्म इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, नॉट बायोमास, नॉट एनर्जी. वी आर सिंपली डूइंग काउंटिंग ऑफ पैरासाइट्स, काउंटिंग ऑफ बर्ड्स, काउंटिंग ऑफ ट्री. वन सिंगल ट्री, नंबर ऑफ बर्ड्स, ऑन ईच बर्ड मोर नंबर ऑफ पैरासाइट्स, तो उसमें क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर होगा. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें स्टैटिक चीजें, एक बार पढ़ लिया काम खत्म, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है ना, दो नंबर के लिए ज्यादा उसमें वो नहीं चाहिए, एक बार समझ गए बस, पे नहीं. अब आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए वैसे एरियाज में जहां क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. हाँ, लेकिन ये मालूम होना चाहिए पिरामिड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये एट द बैक ऑफ द माइंड यू शुड बी नोइंग दैट. क्लियर हो रहा है? इसमें कहां उल्टा होता है? नंबर पिरामिड, कहां? ट्री में.
ठीक है, दैट विल बी देयर. नाउ नाउ लुक एट, फिर मैं रीड करता हूँ हैंडआउट से. हैंडआउट इसलिए दिया मैंने ताकि जब आप, ये तो मैंने समझाया अभी, व्हेन यू गो बैक एंड रीड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर है ना, ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट, बट नाउ यू हैव अ बुलेट पॉइंट्स. देन अगेन बेस ऑफ द पिरामिड क्या होता है, प्रोड्यूसर, बॉटम ऑफ द पिरामिड ना वो चीज है. फिर पिरामिड इंक्लूड हॉरिजॉन्टल बार्स, जितना बड़ा बार होगा उतना ज्यादा नंबर, उतना ज्यादा बायोमास, उतना ज्यादा एनर्जी. कम होगा छोटा तो कम होगा, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंट हियर. बायोमास, बायोप्रोडक्टी, क्वांटिटी ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर, ये पार्ट यहाँ पर है, कौन किसको फीड कर रहे हैं. नाउ व्हेन यू गो टू थर्ड पेज हियर, ये चीज वहां पर है, ये डायग्राम है, राइट. ये अप्रोच रखना है कि एक बार चीजें समझ गए, जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखे, उसको रिवाइज करना बस एग्जाम से पहले. नाउ सी हियर, दिस ग्रासलैंड, दिस द ट्री. आई जस्ट जूम आउट हियर, व्हेन लुक एट ट्री इकोसिस्टम हियर. प्रोड्यूसर क्या है, लीव्स, प्लांट्स. कौन खा रहा है, हर्बीवोर कौन खा रहा है, बर्ड्स. बर्ड में क्या है, लाइस, जुए जो बोलते हैं. और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, सुपर पैरासाइट. 1, 10, 20, 100, 1000 नंबर है ना, नंबर की बात, इंक्रीज होगा वो, राइट. और वैसे ही यहां पर है, नाउ यू विल लुक एट हियर, पिरामिड ऑफ बायोमास, 5000 kg, 500 kg, 50 kg. ये कहां हो गया, ग्रासलैंड वगैरह में. और जब आप यहां देखते हो, ये एनर्जी का दिया हुआ है. रेन फॉरेस्ट लीव्स, लीव्स पत्ते, एनर्जी टोटल 100 है फ्रॉम सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, 10% इंसेक्ट लार्वा, लार्वा विच फीड ऑन द लीव्स. देन बोनोबो, व्हाट इज बोनोबो, मंकी विच ईट लार्वा. एनर्जी की बात हो रही है. और फिर आप देखो बोनोबो कौन खा रहा है, क्रोकोडाइल. कई बार गिर गया वहां पर अमेजन फॉरेस्ट, ये अमेजन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है ना, वो उसको क्रोकोडाइल खा गया. तो क्रोकोडाइल को 1%, 0.1%, 110, 1.1. इसीलिए आप ये समझो कि जब भी कोई फूड चेन की बात करते हैं, लेंथी नहीं होता, लंबा नहीं होता. क्यों, बहुत ज्यादा लंबा होगा तो क्या होगा, ऊपर के लेवल को बहुत कम एनर्जी, वेरी लेस एनर्जी होंगे. मैं एक फूड चेन की बात कर रहा हूं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन पर नहीं डिपेंड रहता है. किस पर डिपेंड होते हैं, मल्टीपल. दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वेब कम्स. ऊपर नहीं गिर रहा है, नहीं नहीं, वो आपके नोट कॉपी तो नहीं आ रहा है, नोट कॉपी आ रहे, अपनी संभाल रहे ना, पानी ना होता ना, डूबा डूबा तो पूरा डूबा डूबा हो जाएगा. कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, पता नहीं यूट्यूब में चल रहा था, अभी गायब हो गया. अब वो होंगे वहाँ कमेंट, वो लोग है ना, अभी संडे संडे है ना. क्या हो गया, ये बोटो गिर गया, नहीं इंक लग रहा है वो, आपने तो कई बार पेन या कुछ होता है ना, वो ही लग रहा है वो. समटाइम्स वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं वो इंक वगैरह जो होते हैं, बचपन नहीं किया इसका, बच्चे में करते हैं ना, वो नेम निकाला, कुछ कुछ सेट किया, वो चीज़ है. कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. दिस हैंड आउट, पिरामिड ऑफ नंबर, व्हाट आई एक्सप्लेन हियर, नंबर सी हियर व्हाट इज गिवन. सेकेंड पॉइंट, पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी अपराइट और कंप्लीटली इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन काउंट. लुक एट हियर, काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द फूड चेन. देन इफ यू सी द फोर्थ पेज, नंबर डज नॉट कंप्लीटली डिफाइन दैट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू काउंट. वहां काउंटिंग है. पिरामिड नंबर अपराइट ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और इन्वर्टेड कहां पर है, जो मैंने ट्री में. तो जब आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो यहां पर इन्वर्टेड मैंने दे दिया है, इन्वर्टेड टाइप, ठीक है. नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास के कॉर्स में मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर. अपराइट कहां है, नॉर्मल फॉरेस्ट ग्रासलैंड,
और इन्वर्टेड कहाँ आएगा, तो वेन यू गो टू इन्वर्टेड यू फाइंड दिस वन, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम का है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है एनर्जी विल ऑलवेज यू अपराइट, जो मैंने बताया। तो मैंने ये किया है कि ये अभी जो नंबर ऑफ पेजेस यू हैव गॉट ऑल थिंग्स गिवन हियर, यू डोंट रिक्वायर टू गो बैक टू एनसीईआरटी बुक, यू डोंट रिक्वायर, इज ऑल सफिशिएंट। एग्जाम से पहले ये पॉइंट्स पढ़ के जाना है, बस काम खत्म। अगर कोई पिरामिड क्वेश्चन आता है, जनरली नहीं आएगा, आजकल का पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो ऐसी चीजें कम पूछते हैं, लेकिन आपकी एक समझ होनी चाहिए, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है। मैं अब इंटरेस्टिंग चीज पे आता हूँ जहां पे क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन गेट क्वेश्चन ऑन दिस वन। ये फूड चेन से लिंक्ड है ना, बायो मैग्निफिकेशन, एंड व्हाट आई सेड ऑलवेज डे टू डे लाइफ एग्जांपल, यू कनेक्ट विद डे टू डे लाइफ एग्जांपल, पिरामिड एंड फूड चेन, फूड वेब शुड बी बैक ऑफ द माइंड। नाउ व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट हियर, दैट इज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल, राइट, हानिकारक जो बोलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, अक्रॉस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन, सक्सेसिव लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक्स, है ना, अक्रॉस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, दैट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है, एनी काइंड ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच एंटर फूड चेन, कई बार ऐसे सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वी कॉल इट परसिस्टेंट, दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट शी हैज यूज्ड द वर्ड एक्युमुलेशन, दे एक्युमुलेट इन अ बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम एंड over a period of time it cause harm, that's where we call biomagnification. So yahan par jaise hai DDT, chemical pesticide, I'll give you certain more example there, then coming to this one, I've told in the classroom there, there's a place called Kasargod in Kerala where many people got affected, even the deaths took place because of use of endosulfan, is organochloride pesticide, cashew jo nuts hote hain, cash crop वगैरह, वहां spray किया जाता था, it has been now banned by Kerala government and other government, even Karnataka there was a problem regarding the use of endosulfan, DDT has been banned worldwide, agriculture में आज use नहीं करते, केवल कहाँ use करते हैं, mosquito control, for that we use it, but it has effect, I mean to say any kind of such chemical pesticide, herbicide, insecticide will have biomagnification. Koi bhi example aap le lo. And there could be many such example. Then you know heavy metal. Maine class mein bataya tha heavy metals mein. Cadmium, chromium, fluoride, mercury, lead. Let's say for example, you know mercury, which cause Minamata. What is Minamata? Is a disease. Whatever disease? Mercury poisoning. Minamata in Japan. Direct impact on nervous system. Paralysis. Death. Right? Then you know about lead. Kidney and liver damage. Cadmium, chromium. All this comes into that. Diclofenac or diclofenac. What is diclofenac? Where we use? Animals. Veterinary drug. Right? I'll just give you an idea here. We use as a veterinary what do you mean by anti-inflammatory?
विच इंफ्लेमेशन पेन उसको कम करता है. वल्चर, वल्चर क्राइसिस इन इंडिया. इंडिया इज होम ऑफ 9 टाइप्स ऑफ वल्चर्स. 9 प्रकार के गिद्धों में से 4 टाइप्स ऑफ वल्चर्स हैव बिकम क्रिटिकली एंडेंजर्ड. व्हाट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड? मोर देन 90% लॉस. मतलब कई जगह ऐसे 95% खत्म हो गए. महाराष्ट्र राइट यूज टू बी होम ऑफ वल्चर्स, व्हाइट बैक वल्चर, इंडियन वल्चर जो बोलते थे. रायगढ़ वगैरह जो एरिया है ना वहां पर हुआ करते थे. अब क्या है, खत्म हो गया. कैसे खत्म हुआ? वल्चर ईट डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. नाउ द डेड बॉडी ऑफ कैटल विच हैज डिक्लोफेनाक. तो व्हाट विल हैपन? दिस टॉक्सिक ड्रग विल गो इनसाइड द वल्चर एंड अल्टीमेटली इट प्रोवाइड क्रिएट प्रॉब्लम टू नॉट ओनली द ऑर्गन्स ऑफ वल्चर, किडनी वगैरह जो है, किडनी डैमेज एंड ऑल, बट ऑल्सो नेक. व्हाट हैपन विद द वल्चर? वल्चर हैज अ लॉन्ग नेक. तो व्हाट हैपन? द नेक बिकम स्टिफ. स्टिफ मतलब वो हार्ड हो जाते हैं, हार्डेंड है ना, तो वो फ्लाई नहीं कर पाते या मुड़ नहीं पाते. जैसे कि कई बार गाउट होता है ना, गाउट एक बीमारी होती है ना, गाउट कई बार होता है जो घुटनों में, हाथों में, फिर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है. तो गाउट जैसा सिस्टम किसको होता है? वल्चर को. कब होगा वल्चर में? जब डिक्लोफेनाक ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों हो रहा है? फूड चेन मैग्निफिकेशन. तो इससे क्या होता है? वल्चर की डेथ जल्दी हो जाती. व्हाट वल्चर्स डू फॉर अस? दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, दे क्लीन अवर एनवायरमेंट. अब मैं फैक्ट बताता हूं कि इसमें अभी हमने क्या किया कि कैटल को बचाने के लिए ऐसे दवाओं का यूज किया. ठीक है, अंततः क्या हुआ कि वल्चर्स की संख्या कम हो गई. अब ये भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट है. वल्चर कम होने पर क्या होगा? पहले डेड बॉडीज ऑफ एनिमल वो खा जाते थे तो इन्वायरमेंट साफ रहता था. अब क्या वल्चर ही कम हो गया तो डेड बॉडीज को बाहर हम ऐसे नहीं फेंक सकते. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रॉपरली डिस्पोज द डेड बॉडीज. एंड हु विल डू द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज? बरियल और एनी डिस्पोजल? म्यूनसिपैलिटी इफ इज अर्बन एरिया, और ग्राम सभा इफ इज अ विलेज रूरल एरियाज. और डिस्पोजल में करने में ऐसे लगेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एनिमल उठाया डिस्पोज हो गया, वैसा तो नहीं होगा. कैरकास, यू नो कैरकास, इंटायर डेड बॉडी. तो कैरकास ऑफ एनिमल वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ दैट डेड एनिमल्स. ये चीज है ना. तो जो चीज हमारे इन्वायरमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट था, यू अंडरस्टैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कुछ नहीं करना पड़ता था. जानवर फेंक दिया, गिद्ध आया, खा, खत्म. आज हमें सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे पैसे खर्च करके डिस्पोज करें मरे हुए जानवर को, डेड एनिमल्स. तो दैट इज व्हाट मैन हैज टू थिंक कि व्हाई द थिंग्स आर देयर. इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? सम अदर ड्रग्स है अभी इंडिया में, इसको बैन कर दिया गया. डिक्लोफेनाक इज बैंड. और एक्चुअली क्या होता है, अब दूसरी कहानी ये है. हमारे देश में जो होता है ना, पोस्ट सिंड्रोम काइंड ऑफ सिम्टम्स आर देयर. जब चीजें हो जाती है तब गवर्नमेंट जागती है. जब वल्चर कम हो गया 90%, तब गवर्नमेंट को लगा कि डिक्लोफेनाक को बैन करना चाहिए. जब कई लोग मर गए हैं, जब सब कुछ हो गया, तब इंडोसल्फान बंद हुआ. यही होता है इंडिया में. डिजास्टर होता है, सिक्किम फ्लैश फ्लड, तब जाके हम ऐड करते हैं. जबकि क्या होना चाहिए? प्री, पहले होना चाहिए. प्रिपेयर्डनेस से होता है. द प्रॉब्लम इज दैट इवन अप नाउ वी बैन डिक्लोफेनाक, बट डैमेज हैज बीन डन ना. व्हाट इज डैमेज? द वल्चर्स हैव बीन लॉस्ट. अगर यही चीज हम 30 साल पहले नहीं करते, डिक्लोफेनाक को कंट्रोल रखते हैं, तो आज वल्चर्स होता है हमारे पास. तो दैट इज द पॉइंट टू पॉन्डर कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग दैट. अब क्या है दूसरा है, इसका ऑल्टरनेटिव है. वी हैव अदर टाइप ऑफ मेडिसिन विच कैन बी यूज इन डिजीज कैटल. अब प्रॉब्लम क्या होता है गवर्नमेंट का? अब कोई भी इंसान, इंडियन, इंडिया पता है ना, इंडियन मेंटेलिटी क्या है, कितना देती है. गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, माइलेज, कि ज्यादा माइलेज में कम है. हम पैसे बचाने वाले लोग हैं. ऐसे लोग हैं पैसे बचाने वाले. अब वो दवा, एक दवा महंगा है, दूसरा दवा सस्ता है, तो क्या होता है, सस्ते की ओर जाते हैं. इंडियन मेंटेलिटी है ना. ऑल्टरनेटिव है, डिक्लोफेनाक को बैन भी किया गया,
There's other alternative medicine which can be used in disease cattle, veterinary drug. But what is the problem? Problem is still the cost is higher. अब कॉस्ट हायर है, सस्ता क्या मिल रहा है? डिक्लोफेनाक. अब लेकिन वो सरकार ने तो बंद कर दिया है, फिर क्या होता है? इलीगल, ऑफ द काउंटर, जुगाड़, जुगाड़ी हुई ना. सरकार वही करती है. पर सरकार कोई चीज बैन करती है वो उसे एक नया मार्केट बन जाता है, उसकी एक अलग मार्केट डिमांड हो जाती है. ये चीज हुआ वल्चर साथ. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वल्चर तो गया ना, और अभी भी हम डिक्लोफेनाक चोरी छिपे यूज कर रहे हैं, यूज तो कर ही रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं, कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली वल्चर रिकवर नहीं करेगा अनलेस अंटिल वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स. ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना है मेंस एग्जाम के लिए. कहां के लिए? मेंस एग्जाम. अब आप बोलोगे कि क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? यू कैन डू दैट. क्रिटिसिज्म करने में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ये नहीं कि वहां आंसर स्टार्ट हो गया वेरी बैड राइट एंड देन वो दिल की भड़ास, वो नहीं करना है. देयर इज अ वे टू राइट आंसर. बट यस, व्हाट इज नेगेटिव? व्हाट इज द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स, यू हैव टू ब्रिंग द ड्रॉबैक्स. यू हैव टू क्रिटिसाइज ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी. बट व्हाट आई ऑलवेज से, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग अ पॉलिसी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव्स, प्रोवाइड सॉल्यूशंस. What is the way we can solve the problem? वो बताना है. लेकिन ये क्राइसिस है, वल्चर क्राइसिस. और इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड वल्चर कम हो गया. और मैंने एक चीज बताया था क्लास में. क्या बताया था? जटायु, जटायु बताया था. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स मटेरियल में? केवल जटायु नहीं है, इंडिया में बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं. और कहाँ कहाँ है बताओ? जटायु इज बॉर्न इन हरियाणा नियर चंडीगढ़. वेर आर अदर्स places where vultures are captive breeding of vultures are. There are many places are there. It's not that only Jatayu is named because Jatayu is one of the first initiative to breed vultures and take them to wild. और कहाँ कहाँ पे ऐसे breeding center बनाए गए? महाराष्ट्र में कहाँ है? इसीलिए मैं बोलता हूँ GK, क्या GK know your state? Even if you don't belong to Maharashtra, but if you live in Maharashtra, you must know about Maharashtra. पता होना चाहिए कहाँ पे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं. महाराष्ट्र में, गुजरात में वल्चर पहले कॉमनली बहुत जगह पाए जाते थे. डिक्लोफेनाक के कॉन्टेस्ट, ये चीज है. तो नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेज? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेज? यू नो व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन, यू नो व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर. यू हैव टू वॉक एक्स्ट्रा माइल, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्ट्स. मैं हमेशा बोलता हूँ, even the NCERT batch people today, I will say you have to always check, go back to the internet and you should always ask question. Aap batao kya hai, kahan banda batao? Hingori near Pune. Abhi Aarti bata rahi thi Pune. Proposal hai wo, theek hai, proposal hai wahan banane ka. Jo hai to kahin na kahin news mein to hoga na, somewhere it will be news. To wo cheez ko padhna hai, कहीं ना कहीं न्यूज में होगा कि इंडिया में 10 से ज्यादा वल्चर सेंटर्स. एक तारीख को बोल रहे इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ न्यूज, ठीक है. तो मैं एक अप्रोच बता रहा हूं, आई एम गिविंग अप्रोच कि हाउ यू टू गो वन स्टेप बाय अनदर, राइट. मिनामाटा, यू नो दैट, दिस पार्ट इज क्लियर. ऑलराइट, सो वी विल बी डूइंग वन थिंग हियर. लेट्स गो टू द अनदर टॉपिक हियर. फर्स्ट लेट मी डिस्कस, देन वी विल गो टू हैंड आउट हियर. बायोटिक इंटरेक्शंस, interaction with the living world, how animals and plants interact, we are going to cover that. Theek hai, so you know that positive and negative, there are positive forms of interactions and there are negative forms of interactions. So positive interactions, let's first understand this one, then I'll go to the negative. But let's go to the first one is mutualism. A and B, both are positive and positive, plus and plus. What do you mean by that? Both benefit each other. Both species benefit each other. Like for example, I'll give you example.
There are many forms of mutualisms are there. For example, honeybee. It goes to plant for nectar. Right? Honeybee jo hai, it goes to the plant for nectar. Nectar is the food. In the process, honeybee carries out pollination. That is a flower or plant. Right? There, the plant gets the benefit of pollination being carried by honeybee. Same way, you can take example of bat, fruit bat or any bat, chamgadar, wo bhi karta hai pollination. Birds, hummingbird, they also carry it. So, ye ek dusre ko madad kar rahe hai. I'll give another example. Human intestine, what we say gut, GUT gut, have got number of bacteria, microorganism. Kai baar current affairs mein padhenge aap, human microbiome, microorganism in our body, and they support us, they help us in digestion, many other functions. Jo microbes ya microorganism hamare body ke andar paaye jaate hain, wo beneficial hote hain. और कई बार क्या होते हैं जो बाहर से आते हैं वो क्या होता है डिजीज कॉजिंग होता है विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी राइट सो ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड बैक्टीरिया इज अ म्यूचुअलिज्म दे बेनिफिट अस एंड व्हाट वी गिव देम इन रिटर्न शेल्टर फूड रिसोर्स दैट हेल्प्स देम टू मल्टीप्लाई विद इन अवर ह्यूमन बॉडी राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन सिम्बायोसिस एक तो यही है पुणे में राइट सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा सिम्बायोसिस ये है नहीं उन्होंने नाम बड़ा अच्छा चुन के दिया इज अ बहुत इफेक्टिव वर्ड को उन्होंने दिया अब वो सिम्बायोसिस वर्ड हैज बिकम अ ब्रांड नेम ऑल ओवर इंडिया है ना मैनेजमेंट वगैरह जो नाउ लॉ की पढ़ाई भी होती है सिम्बायोसिस मेडिकल में अभी उन्होंने नया कैंपस किया अभी तो एयरपोर्ट के पास है अभी न्यू कैंपस कोई है सिम्बी का स्टूडेंट कोई सिम्बायोसिस का पढ़ा हुआ है कोई भी हाँ यू हैव स्टडीड As you are studying there, okay. You have done the class there, okay. Which one? Airport? That airport center, okay. Where? अच्छा वहाँ भी किया है. उनके कई centers हैं. Right. तो ये symbiosis क्या है? वो तो university है, college है. ये symbiosis. What I have written on the board. And it's a plus and plus. बेनिफिशियल है अब ये कह रहे नॉन बाइंडिंग है क्या है इसमें सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है आई हैव गिवन बोथ आर बेनिफिटिंग ईच अदर ओके एल्गी लाइक इन ऑल राइट बट व्हाट इज हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट हाउ वुड यू राइट इन सेंटेंस कि व्हाट इज सिम्बायोसिस व्हाट इज सिम्बायोसिस बाइंडिंग ऑन देम ओके They can't leave, okay? Anything else from the backside? Symbiosis को कैसे आप define करोगे आप? मैंने दे रखा है handout में, लेकिन आपके दिमाग में तो कुछ आता होगा इस word का symbiosis. मैंने इसे लिखा है plus and plus. What is plus and plus? Mutualism. They benefit each other, but there is a difference. They benefit each other, but there is a difference. That if any one of them, any of the partner, is not there. Then there will be negative impact on the other. ठीक है अगर दो में से कोई एक नहीं रहता है तो दूसरे को नुकसान होगा नहीं रहने पे, not living together. है ना तभी उसको symbiosis बोलते हैं. So you write there, just write there, write a sentence here, just write a bracket, give a bracket here. It's better to write in bracket. It is a mutualism. Where two partners, it is a mutualism where two partners benefit each other, two partners benefit each other by staying together, staying, STAYING, staying together, by staying together, give a stop there, if any one partner Staying together, give a stop. If any one partner separate,
separate, separates. If any one partner separates, comma, comma, the other partner suffers. If any one partner separates, comma, the other partner suffers. अगर एक अलग हुआ तो तभी, अगर साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होता है इंसानों में, हाँ, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, तेरा साथ हम ना छोड़ेंगे, यही है ना। जयन वीरू किधर गया, जय इधर क्लास का इधर बैठता था ना, आज उधर चला गया, और भी है, हाँ वो भी है, सही इधर मुदस्सिर, ठीक है, तो जय वीरू है क्लास का, तो मैं कह रहा हूँ साथ में रहते हैं, अगर एक गया तो दूसरे को नुकसान होगा, तो दैट इज वॉट हैपन्स इन लिविंग वर्ल्ड। आई गिव यू एग्जाम्पल हियर, द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस वन, यू ऑल नो दैट, मैंने क्लासे बताया भी है, कोरल्स, कोरल एंड ज़ूज़ेंथली, दिस मरीन एल्गी, दिस मरीन एल्गी और एल्गी ज़ूज़ेंथली लिव इन साइड कोरल पॉलिप, स्टे टुगेदर ना, दे लिव टुगेदर। क्या फायदा होता है, ज़ूज़ेंथली क्या करता है, फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज इट गोज टू कोरल, कोरल इज एन एनिमल गेट द फूड फ्रॉम द फ्रॉम एल्गी एंड इन रिटर्न द एल्गी गेट्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस विच हेल्प इन डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड द प्लेस टू लिव। इफ इफ एल्गी सेपरेट, इफ ज़ूज़ेंथली सेपरेट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, इफ दैट गोज अवे ऑफ कोरल, विच वी कॉल कोरल ब्लीचिंग, वेर द कोरल बिकम कलरलेस, व्हेन इट बिकम कलरलेस, व्हेन इट ज़ूज़ेंथली सेपरेट, तो व्हाट विल हैपन विद कोरल, कोरल विल डाई, डेथ। एक के अलग होने पे दूसरे को नुकसान होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, आपको सबको पता है, लेग्यूम राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, व्हाट इज राइजोबियम बैक्टीरियाज रोल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट फिक्स नाइट्रोजन गैस, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो इन अ सॉइल डेफिशिएंट विद नाइट्रोजन एंड दिस बैक्टीरिया लिव इन रूट नोड्यूल, तो व्हाट दिस बैक्टीरिया डज, इट फिक्स नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट एंड प्लांट प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर। अगर राइजोबियम खत्म हो गया, नहीं है, तो लेग्यूम प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, लेग्यूम प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, नाइट्रोजन चाहिए ना प्रोटीन वगैरह बनने में, तो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, लेग्यूम के लिए क्या होना जरूरी है, राइजोबियम, कोरल के लिए क्या जरूरी है, ज़ूज़ेंथली, इसको कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द टर्म, करेक्ट। नाउ आई विल गिव यू अनदर वर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द टॉप हियर, यू कैन राइट बॉटम देयर, आप इसी फ्लो चार्ट में लिखिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, व्हाट इज कमेंसलिज्म, कमेंसल्स इन नेचर, कमेंसलिज्म, COMMENSALISM, हाँ, ठीक है, ए एंड बी, ए इज पॉजिटिव, बी इज जीरो, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, बट दैट इज जीरो, न्यूट्रल। कैन एनिमल गिव मी एग्जांपल, कमेंसल्स इन नेचर, डू यू अंडरस्टैंड, वन गेट बेनिफिटेड, द अदर इज न्यूट्रल, दैट इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। पैरासाइट तो अलग ही है, होस्ट प्लांट नहीं है, ओके, ठीक है, टू कैरी ऑन द सेम फ्लो चार्ट, आई एम राइटिंग दिस साइड हियर, आई एम गिविंग द एग्जांपल, यू हैव टू राइट इन द सेम फ्लो चार्ट, आई डोंट हैव स्पेस, आई हैव टू चेंज द पेज, बट यू राइट ऑन द नोट कॉपी जस्ट इन द बॉटम देयर। एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार आपने ये देखा भी होगा, दैट बर्ड एंड एनिमल, जैसे कई बार राइनो के ऊपर है ना, जो बड़े कैटल होते हैं, यू हैव अ बर्ड, एग्रेट, एग्रेट वगैरह बोलते हैं, राइट द नेम ऑल्सो एग्रेट। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था,
कि विच आर द बर्ड्स यू कॉमनली सी राइट विच विथ एनिमल एंड वेयर द एनिमल मूव द डिस्टर्बेंस इन ग्रासेस दे गो एंड फीड द वर्म्स एंड ऑल. और तीन नाम दिया हुआ था, पेंटर स्टॉर्क, कॉमन माइना, ब्लैक नेट क्रेन. मैंने चॉइस भी बता दिया, तीन नाम दिए हुए थे, पेंटर स्टॉर्क, कॉमन माइना, माइना पता है मैना वगैरह होता है, एंड थर्ड दिया था ब्लैक नेट क्रेन. क्या लिखा हुआ था कि एनिमल के साथ में होता है और एनिमल जहाँ जाता है एंड उसका डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल तो वर्म्स वगैरह वो खाते हैं. तीन तीन में से कौन सा है, तीन वर्ड्स का नाम बताया, तीन नाम थे, कौन कौन से नाम, पहला स्टॉर्क, दूसरा मैना, तीसरा ब्लैक नेट क्रेन, काली गर्दन का सारस. नॉर्मल ऑब्जर्वेशन व्हेन यू गो टू कंट्री साइड विलेजेस. मैना यू विल फाइंड, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है मैंने क्लास जीएस बैच में बताया था, सोमोरिरी वेटलैंड. वेयर इज दिस वेटलैंड सोमोरिरी, रामसर साइट ऑफ लद्दाख. वहां पे कौन सा नेस्टिंग बर्ड होता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन इज अ माइग्रेटरी बर्ड, दे लिव इन दैट पर्टिकुलर वेटलैंड एंड दे फीड ऑन द वेटलैंड. यू नॉट फाइंड मैना कुड बी देयर. पेंटर स्टॉर्क, स्टॉर्क इज अगेन देयर वेटलैंड बर्ड. एग्जाम्पल द टू ओनली, बट देर मे बी अदर टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो बर्ड विच मे बी ऑन द कैटल. ठीक है, तो एक किसको लाभ मिल रहा है, इस बर्ड को मिल रहा है. क्यों, ये एनिमल जहां भी जाएगा तो जो भी डिस्टर्बेंस होता है उनको वर्म मिलता है खाने को, वर्म या कोई भी चीज खाने को मिल जाती है. तो इसके लिए पॉजिटिव है, एनिमल के लिए न्यूट्रल है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज जीरो. एनिमल को ना तो नुकसान हो रहा है, कैटल को, काउ एंड बुफेलो, ना तो उसको कोई लाभ मिल रहा है, बट द बर्ड इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ गेटिंग द फूड. आई गिव अनदर एग्जाम्पल, देयर वन टाइप ऑफ फिश कॉल्ड सकर फिश एंड दे लिव ऑन शार्क, ऑन द बॉडी ऑफ शार्क वो चिपके हुए होते, छोटी सी मछलियां होते, सकर फिश बोलते हैं कई बार रेमोरा. आई राइट ऑल्सो द नेम, समटाइम विल कम विद दिस नेम रेमोरा. एंड दे आर फाउंड इन द वेल, वेल के साथ होते, जो रहते हैं समुद्र की सफारी के लिए, कि घूमने के लिए मजा आता है, तुम शार्क साथ ले जाता है तुम पूरा पानी के अंदर, तुम मजे से तो देख रहे पूरा है, क्यों रहते हैं साथ में. यस मिकी, व्हाई दे आर स्टे टुगेदर, हु इज गेटिंग द बेनिफिट हियर, किसको बेनिफिट मिल रहा है, रेमोरा और इसको मिल रहा है. व्हाट वाज शार्क एंड वेल, जीरो. रीजन है बता के, शार्क इज अ प्रेडेटर, है ना, खतरनाक होता है, तो शार्क हंट गेट द फूड, जो बच जाते, तो ये जो सकर जो है वहां जाके खा लेते हैं. तो एक तो खाना मिल गया फ्री फंड का, दूसरी सवारी मिल गई, और तीसरा जो है सुरक्षा, सुरक्षा अंडरस्टैंड प्रोटेक्शन, शार्क के आसपास कोई आएगा नहीं, तो सकर को बच गया ना. अगर वो नहीं होता शार्क तो सकर फिश को कोई और खा जाता. तो ये चीज है, तीन लाभ है, सेम या रेमोरा का भी है. नहीं शार्क नहीं खा रहा, कुछ नहीं, शार्क क्यों नहीं खा लेता इसको. तो ये एक इवोल्यूशनरी पार्ट, यू नो इवोल्यूशन, दिस रिलेशनशिप हैज इवॉल्व ओवर टाइम. ठीक है, पर सकर, सकर हाँ दोस्ती के लिए जो है, सकर विल नॉट कॉज एनी हार्म टू शार्क, तो हार्म नहीं कर रहा है. ठीक है, साथ में जा रहे हैं वहां पर. कई बार यही चीज टर्टल होते, टर्टल के ऊपर भी मछलियां वगैरह होती. एक और चीज है, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बर्नाकल, एंड दैट इज ऑन वेल. बर्नाकल, बर्नाकल होता है, और बर्नाकल क्या होता है, ये छोटे से होते, फीडर बोलते हैं इसको, फिल्टर फीडर. दे आर ऑन द बॉडी ऑफ द वेल, दिस गेट बेनिफिट, बर्नाकल गेट बेनिफिट, ये न्यूट्रल है. कहने का मतलब ये है, यूपीएससी एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, और यूपीएससी एग्जाम में ये क्या करते हैं, वो जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो बुक्स में नहीं है, कुछ नए एग्जाम्पल आ जाएंगे. तो वहां पर अगर आपको स्ट्राइक करता है
कि एक को बेनिफिट दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, तब तो कमेंसलिज्म होगा। तो वो फिगर अगर नहीं हो रहा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू शुड स्किप द क्वेश्चन इफ एनी सच एग्जाम्पल कम विच हैव नॉट रेड अबाउट इट, नॉट हर्ड अबाउट इट, तो वहाँ रिस्क लेना ठीक नहीं है। है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप फिगर आउट कर सकते हो कि ठीक है, इसको पॉजिटिव दूसरे को नहीं हो रहा है कोई नुकसान या कोई बेनिफिट, तब देन यू कैन टेक दिस एज वन ऑफ द आंसर देयर। ठीक है, कमेंसलिज्म। नाउ आई विल कम टू दिस नेगेटिव साइड। नेगेटिव रिलेशनशिप में, नेगेटिव इंटरेक्शंस में आता हूं मैं। तो यू नो फर्स्ट थिंग इज दिस वन, कॉम्पिटिशन। ओके, नाउ टेल मी, कॉम्पिटिशन किसको नुकसान होता है, किसको हानि होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हु विल गेट देयर? ए एंड बी, माइनस एंड माइनस। वाई माइनस? बोथ आर माइनस, बोथ आर नेगेटिव। वाई? व्हाट इज हैपनिंग हियर? रिसोर्सेज गेट डिवाइडेड। व्हाई इट इज अ नेगेटिव टू बोथ? द रिसोर्स विच वॉज अवेलेबल दैट गेट पार्टिशन डिस्ट्रीब्यूटेड। एक को पूरा मिल रहा था जमकर, अब दूसरा आके छीन लिया। ठीक है, तो आप कहोगे दूसरे का लाभ हो रहा है, तो दूसरे को भी तो पूरा नहीं मिल रहा है, वो नेगेटिव सेंस है। एक को तो कम हो ही गया, दूसरे को भी पूरा नहीं मिल रहा है। सो यू नो दैट देयर टू टाइप्स आर देयर। ए वन इज दिस वन, इंटर स्पेसिफिक। व्हाट डू मीन बाय इंटर स्पेसिफिक? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर बिटवीन, दिस इज बिटवीन टू स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन, टू बिग कैट्स स्टे इन द सेम हैबिटेट एंड देयर फूड्स आर ऑल्सो, फूड इज ऑल्सो कॉमन, सो दे विल कम्पीट विथ ईच अदर इन द सेम ग्रासलैंड। जैसे एग्जाम्पल सवाना ग्रासलैंड, अफ्रीकन टाइगर एंड अफ्रीकन लायन, राइट? बोथ विल हैव कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड देयर, जेब्रा, जिराफ, ऑल दोस हर्बीवोर्स। तो दैट इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल इंटर स्पेसिफिक। मैन में भी होता है लेकिन हमारे बीच में भी है, ये है, हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है। और एक और होता है, दूसरा होता है इसमें, जो मैं मैन का एग्जाम्पल बताया कि मैन आपस में भी करता है, मैन और दूसरे एनिमल्स प्लांट उससे भी होता है। तो जब मैन और दूसरे एनिमल की बात है, इंटर, और मैन विथ मैन, और टाइगर विथ टाइगर, लायन विथ लायन, दैट इज इंट्रा, इंट्रा स्पेसिफिक। है ना, जहां पे जैसे इंसानों के बीच में या सभी बाघों के बीच में जो अपने ही स्पीसीज के अंदर कंपीट करते, वो हो गया इंट्रा। तो यही है, विद इन सेम स्पीसीज, विद इन सेम स्पीसीज। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिटवीन टाइगर्स, इन अ ग्रासलैंड ऑल द टाइगर्स दे कम्पीट फॉर ईच अदर, राइट? दे कम्पीट फॉर द सेम फूड, तो दैट विल बी इंट्रा। ठीक है, लेकिन हैंड आउट में मैंने कुछ और दिया है, मैंने दिया इंटरफ्रेंस टाइप का वर्ड मैंने यूज किया, विल कम टू दैट। तो पहला हो गया कॉम्पिटिशन। ठीक है, आई कम टू हैंड आउट, डोंट वरी, मैं आई जस्ट गिव यू रेफरेंस देयर। आई विल कंटिन्यू विद द सेम फ्लो चार्ट बट इन डिफरेंट पेज, राइट? ठीक है सबका, आई एम चेंजिंग द पेज हियर। तो नाउ यू हैव टू राइट हियर सेकेंड वन, नंबर टू। सो यू कैन, यू नो दैट प्रीडेशन, प्रीडेटर किल, टेक द फूड, प्रे इज हार्म्ड, प्लस माइनस। ये ना प्रीडेशन क्या होता है? नो मर्सी, कोई दया नहीं, मारो और खाओ। ठीक है, वही ऑप्शन है, किल एंड ईट, that's what predator do, doesn't have any kind of daya bhavna, uske parivar ko kya hoga, hai na, unke bachchon ko kya hoga, khana hai to khana hai, bas marna hai khana hai, that predator is all about, theek hai? So here you have so many example, whichever carnivore you can take the example, whichever carnivore you take the example,
वी आर ऑल्सो प्रीडेटर, कैसे हम लोग प्रीडेटर है, वी डू द हंटिंग पोचिंग, तो वी ऑल्सो एक्ट लाइक अ प्रीडेटर, राइट। तीसरा पता है पैरासाइट, पैरासिटिज्म, पैरासाइट लीव आइदर ऑन द होस्ट और इनसाइड द होस्ट। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, या तो वो बॉडी ऑफ एनिमल के ऊपर है और सारा रिसोर्स ले रहा है, या तो बॉडी ऑफ एनिमल के अंदर रहते हैं एंड टेक ऑल द रिसोर्सेस। कई बार बोलते हैं एक्टो, यू विल फाइंड दिस वन, एक्टो, एक्टो पैरासाइट। तो एक्टो पैरासाइट मीन्स लीव ऑन द होस्ट। गिव मी एग्जांपल, लीव ऑन द होस्ट, ठीक है, एग्जांपल इज लाइस, टिक, देन यू नो लीच, ये सब ऑन द है। लाइस भी होता ना ऊपर, अंदर नहीं होता, जुए वगैरह जो बोलते हैं, टिक वगैरह आपने देखा होगा, बंदरों में, जानवरों में छोटे छोटे होते हैं, है ना, तो वो बाहर होते हैं, लेकिन वो सक आउट करता है, टेक आउट द रूट, रूट जो जो उनके होते हैं, दे टेक द एनर्जी। और एक होता है एंडो होता है, ई एन डी ओ, एंडो पैरासाइट, ये विद इन द होस्ट होता है, लिव इन साइड द होस्ट। अब इसमें जो लिव इन साइड द होस्ट होता है वो डेंजरस होते हैं, क्योंकि मार देता है वो, आफ्टर टेकिंग रिसोर्स इट किल द होस्ट, खत्म कर देते हैं होस्ट। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ह्यूमन केस में आता है मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट जो है, वॉट इज द नेम ऑफ दैट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विच कॉज द मलेरिया इन ह्यूमन, प्लाज्मोडियम, राइट, हाँ, तो ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, फैल्सिपेरम, ओवली, मलेरिया, जितने भी है, प्लाज्मोडियम इज विच कॉज मलेरिया इन ह्यूमन बींग, दैट इज अ एंडो पैरासाइट। कई बार ये भी होता है, पता है ना, ह्यूमन में एस्कैरियासिस, एस्कैरिस वर्म, है ना, वर्म होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्म्स है जो इंटेस्टाइन, तो जैसे ये चीज है, एक और मैं नाम देता हूं आपको पता है, वहां पर फाइलेरिया, ये बायोम पढ़ा होगा, ए एस सी ए आर आई ए एस आई एस, एस्कैरियासिस वर्म होता है, ठीक है। कौन सा, कौन कॉज करता है फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस इन ह्यूमन बॉडी, क्यूलेक्स तो वेक्टर है, मैं पूछो पैरासाइट का नाम बताना है। अब जो क्यूलेक्स जो है ना, इज अ वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, इट ट्रांसमिट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच कॉज दैट स्वेलिंग इन लिम्फ, लेग में होता है, बुचलेरिया बैंक्रोप्टाई, उसका नाम है बुचलेरिया। और क्या है पता है, वो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, फंगाई नहीं है, इज अ वर्म, फिलियल वर्म बोलते हैं, विच कॉज फाइलेरिया इन ह्यूमन बॉडी, एंड द अदर नेम यू नो एलिफेंटियासिस, द लेग स्वेल। क्या होता है, लेग में लिम्फ ग्लैंड होता है, वहीं पे ये वर्म जाके मल्टीप्लाई करता है, एंड देयर इज अ पर्सन्स लेग स्वेल्स देयर, देयर इज अगेन अ पैरासाइट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो यू हैव अ एनिमल पैरासाइट, प्लांट ऑल्सो, प्लांट आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, दिस कॉल्ड हिंदी बोलते हैं अमर बेल बोलते हैं, इज सीन ऑन द ग्रोइंग ऑन द ट्री, है ना, इज कॉल्ड, व्हाट इज अदर नेम इन, व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, व्हाट कम गया, एस्क्यूटा बोलते हैं, हिंदी कॉल अमर बेल, आई विल राइट द नेम हियर, सी यू एस कस्क्यूटा, इज अ प्लांट पैरासाइट, सी यू एस सी यू टी ए, इन हिंदी वी कॉल अमर बेल, बट इज अ इंग्लिश वर्ड इज कस्क्यूटा, दे विल ग्रो ऑन द ट्री, दे स्प्रेड ओवर द ट्री, एंड अगेन दे कॉज प्रॉब्लम टू द ट्री। वॉट इज दिस, अ प्लांट पैरासाइट, नॉट एनिमल, प्लांट पैरासाइट है। कमेंसालिज्म मैंने बताया, कमेंसालिज्म का उल्टा होता है अमेंसालिज्म। ओके, व्हाट इज अमेंसालिज्म, कमेंसालिज्म क्या है, प्लस जीरो, व्हाट इज अमेंसालिज्म, माइनस जीरो। एग्जांपल, वन इज हार्म्ड, व्हाट इज अमेंसालिज्म, वन पार्टनर और वन स्पीसीज इज हार्म्ड, द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, वन इज हार्म्ड अदर इज न्यूट्रल, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल, एक को नुकसान होता है
दूसरे को ना नुकसान ना ना लाभ। क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है? कई बार क्वेश्चन जीके टाइप के भी आएंगे, डायरेक्ट भी वो एग्जाम्पल पूछ दे हो सकते हैं। तो टेल मी द एग्जाम्पल हियर, बैक्टीरिया किसको हार्म करता है? तो बैक्टीरिया जब हार्म करता है ह्यूमन को, तो ह्यूमन को कोई तो हार्म हो ही रहा है, बैक्टीरिया को कुछ लाभ या कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल, थिंक ऑफ एग्जाम्पल। वायरस, ओके, ठीक है। स्मॉल प्लांट ग्रोइंग अंडर अंडर अ बिग ट्री, छोटा पौधा, जैसे कई बार आपने देखा हो बरगद, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है। एंड यू फाइंड दैट स्मॉल प्लांट, क्या होता है कई बार, क्या होता है बैनियन ट्री, बर्ड ड्रॉप सम सीड, बर्ड गोज एंड टेक सम फ्रूट, होता है ना, सीड गिरा दिया, वो सीड में प्लांट आ गया। एंड बैनियन इज अ बिगर ट्री, तो व्हाट वुड हैपन विद अ स्मॉल प्लांट, विल नॉट गेट सनलाइट, है ना, वाटर, न्यूट्रिएंट, अल्टीमेटली वो क्या होगा, छोटा सा जो प्लांट है खत्म हो जाएगा। सो दिस वही है, ये है ना, दिस वन, एंड यू हैव अ स्मॉल प्लांट। ये चीज है ना, तो हु इज एट हार्म, द स्मॉल प्लांट इज एट हार्म, ये माइनस, बिग ट्री को क्या है, जीरो है। बिग ट्री जो है नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ठीक है, वो है ना कहानी, क्यों मालूम है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंती को छाया नहीं फल लागे अति दूर, खजूर वो अलग कॉन्टेक्स्ट में, खजूर मतलब लंबा होता है, टॉल, ठीक है, वहां पर ये होता है, लेकिन बरगद जो होता है इट गिव्स बेनिफिट टू ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ शेड, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, देयर वो सारी चीजें, तो वहां पर ये चीज है। हाँ, बरगद का दूसरा नुकसान इसको है, छोटे वाले को, डजन अलाउ द स्मॉल प्लांट टू ग्रो, राइट, दिस इज कॉल्ड एमेंसलिज्म, राइट। नाउ आई विल कम टू हैंड आउट, ये नहीं होना चाहिए क्लासरूम की हैंड आउट पढ़ रहे, कई टीचर वो आएंगे हैंड आउट पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है, वो नहीं करना, हैंड आउट इज सप्लीमेंट विच यू टू कनेक्ट विद द टॉपिक, करेक्ट, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स, तो नाउ वी कैन सी व्हाट इज देयर इन द हैंड आउट, सो दिस इज वेयर कम्स योर इंटरेक्शन, प्लस माइनस, यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्लस माइनस, ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन, मैंने दिया गट सिम्बायोंट, ऑलमोस्ट सिम्बायोंट जैसा ही काम कर रहे हैं वो इन हर्बीवोर्स, क्यों होता है, बिकॉज काउ एंड बफेलो दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, प्लांट में क्या होता है सेलुलोज, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, उससे क्या ब्रेक डाउन होता है, सेलुलोज विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, देन यू नो एंडोसिम्बायोंट, यूकेरियोटिक सेल्स है, सिम्बायोसिस, एल्गी प्लस फंगस, इट मेक्स वॉट, लाइकेन और लाइचन, देखा है रॉक में ग्रो करता है, कई बार्क ऑफ द ट्री जो है, इट मेक टू ऑर्गेनिज्म, वन इज एल्गल कॉम्पोनेंट, अनदर इज अ फंगल कॉम्पोनेंट, फंगल इज कलरलेस, फंगाई डजंट हैव एनी कलर, फंजाई को कोई कलर नहीं होता, कलर इज गिवन बिकॉज ऑफ एल्जी, कई बार साइनो बैक्टीरिया भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दे ऑल्सो लिव इन दैट केस, कमेंसालिज्म, दिस व्हाट आई वाज सेइंग, राइनो हैविंग बर्ड, ठीक है, ये सारे है, नेगेटिव इंटरेक्शन, कॉम्पिटिशन, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन विच वन इंटरफेयर विद अदर, एंड सेकेंड क्या एक्सप्लोटेटिव है ना, वो ऑकर्स बाय द कंजम्पशन रिसोर्स, फूड शेल्टर वगैरह होता है, इंसान भी करता है ना एक्सप्लॉइट से, करता है ना, हाँ, वो जो गुलामी होते थे हा? स्लेव स्लेव वाला, क्या वो कंपटीशन में आएगा, पहले जो कर स्लेव रखते थे ना बंधक, स्लेव एंड किंग एंड वो सब टाइम में, एक्सप्लॉइटेटिव में आएगा, कहाँ आएगा वो, एक्सप्लॉइटेटिव है ना, कई बार ऐसा लगाया था, अमेंसालिज्म, वन इज हार्म्ड अदर इज न्यूट्रल, यू कैन सी हियर प्रेडेशन, इसमें एक एग्जांपल ये है, असिमेट्रिक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन जो वहां पर है,
Spanish ibex. I'll tell you what is ibex. Ibex is like a god, deer god जैसा दिखता है. Ibex बोलते हैं, टाइप ऑफ स्पेसिस देयर. एंड विविल ऑफ द जीनस विविल इज द पार्ट ऑफ अ बर्ड. आइबेक्स क्या है, जैसे गॉट वगैरह होता है, यू नो दैट, जैसे नीलगिरी तहार वैसा दिखता है, उसके हॉर्न होते हैं. और विविल क्या है, वो बर्ड है, ठीक है. उसका ऑलमोस्ट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑफ फूड एलर्जी. द प्रेजेंस ऑफ आइबेक्स हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन विविल नंबर. यानी कि जहाँ आइबेक्स होता है तो विविल वगैरह नहीं ग्रो कर पाता, क्योंकि आइबेक्स यू नो इज द काइंड हर्बीवोर, तो विविल के लिए उतना फूड नहीं रह पाता है. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है. देन प्रिडेशन, लायन और समथिंग, पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स, ठीक है. नाउ आई विल बी कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई हैव गिवन देयर, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, तो लेट मी गो टू दिस वन. कीस्टोन, लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन वील सी द हैंड आउट. कीस्टोन, यस, बताओ क्या है कीस्टोन. ओके, यस, दिस साइड कीस्टोन स्पीसीज 2011 सीसैट का पेपर में, और मैंने जीएस बैच में दिखाया था, सीसैट के पेपर इन्वायरमेंट के पैसेजेस आते हैं, एंड देयर यू विल फाइंड इकोलॉजिकल पैसेज आल्सो. यस, दिस साइड कीस्टोन. व्हाट इज कीस्टोन? इफ यू हैव अ आर्क, ये होता है उसका मेन स्टोन होता है. मीनार वगैरह आर्क होते हैं ना, कोई भी आर्क का दिस स्टोन इज कॉल्ड की स्टोन. क्यों ये लगाए जाते हैं? ताकि दोनों पार्ट को वो जोड़ के रख सके, ठीक है. दिस वर्ड आई एम गिविंग लिटरल मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है इन रियल वर्ल्ड मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ की स्टोन, एक्सप्लेन. व्हेन यू हैव अ मीनार और आर्क, द की स्टोन कीप द आर्क टूगेदर. इफ दिस की स्टोन इज नॉट देयर, दिस एंटायर स्ट्रक्चर विल नॉट बी देयर, इट विल कोलैप्स. What will happen? It will collapse. So now you can connect with the ecosystem. Why the word has been used? So first thing is this one. They're less in number. They're not abundant. Abundant नहीं होते. उनकी संख्या कम होती है. But उनका जो function होता है, काम, वो इतना important होता है कि profound impact होता है. है ना? I will take some example. But has profound impact, या कई बार बोलते disproportionate impact on the ecosystem, profound impact on its ecosystem. कहने का मतलब ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन उसका काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने ecosystem में बहुत ज्यादा प्रभाव करता है. They impact very so much. In another way, what they do, they maintain. अभी जो मैंने बताया ना, the I've given you this example of ark. So they maintain the balance, ecological balance. In ecosystem. कहने का मतलब है, अगर वो गायब हो जाए या खत्म हो जाए, if that species disappear, तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. यू अंडरस्टैंड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ दे डिसअपीयर, वो स्पीशीज खत्म हो जाए अपने सिस्टम से, जो भी ग्रासलैंड या फॉरेस्ट, तो हो सकता है ग्रासलैंड ही खत्म हो जाए या फॉरेस्ट ही खत्म हो जाए. इसलिए इसको की स्टोन कहा जाता है. तो व्हाट इज अनदर थिंग हियर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस of food web. वहां जो food web होते हैं, food web of its ecosystem. अपने ecosystem के food web को बनाए रखता है, वो उसका role है.
और कीस्टोन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ बर्ड, इट कैन बी रेप्टाइल, इट कैन बी इवन ट्री ऑल्सो, इट कैन बी प्लांट एंड ट्री ऑल्सो, इवन इट कैन बी मराइन और सी एंड ओशन। तो ये नहीं समझेगा, हर्बीवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर ये चीज कर रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग, तो दैट दैट एनिमल और दैट प्लांट विल बी कीस्टोन। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ प्लांट ऑल्सो देयर। लेट अस फर्स्ट गो फॉर द एनिमल। टाइगर इज ए कीस्टोन। कैसे? हाउ टाइगर इज कीस्टोन? अभी कुछ देर पहले ही बताया, इकोलॉजिकल कैस्केड, जो कैस्केड इवेंट जो होता है, टाइगर का नहीं रहना केवल उसका नहीं, ये कहा जाता है टाइगर इज लॉस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट विल बी लॉस्ट। क्या होगा टाइगर नहीं होगा तो? अरबी बोर बढ़ जाएगा, अरबी बोर बढ़ा तो ग्रासेस कम हो जाएंगे प्लांट्स, और ग्रास खत्म हो गया तो ग्रास तो केवल हर्बी वर्क के लिए नहीं है, हो सकता है ग्रास किसी और को भी सपोर्ट कर रहा है, कोई और फूड चेन का पार्ट हो, फिर उनको वहां नुकसान होगा। तो धीरे धीरे जो फूड वेब है वो क्या होगा, बट डिसमेंटल खत्म हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर आता है ना, इफ यू लुक एट हियर एग्जाम्पल, तो मैं हर तरह का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहला एग्जाम्पल लेते टाइगर का, इट मेंटेन्स हर्बीवोर पॉपुलेशन। ये बहुत जरूरी है, कार्निवोर का होना बहुत जरूरी है ना, हर्बीवोर पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। दूसरा है एलिफेंट, बट एलिफेंट इज नॉट अ कार्निवोर, एलिफेंट इज अ हर्बीवोर। तो क्या इसका रोल है? एलिफेंट इज अ कीस्टोन। एलिफेंट ग्रेज प्लांट्स दैट अलाउ अदर स्पीसीज टू सर्वाइव। इफ यू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू अ डायग्राम, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, लेट्स अ पर्टिकुलर एरिया, दे विल ईट द ग्रासेस। तो क्या वो ये जगह मॉडिफाई हो, बाकी को रहने का जगह मिलेगा? अब ये कहाँ जाएगा? दूसरी जगह, फिर यहाँ भी फीड करेगा, दिस हर्ड विल फीड ऑन हियर, इट अगेन विल मेक अ मॉडिफिकेशन फॉर अदर बर्ड्स और बाकी चीज़ों के लिए, फिर ये जाएगा थर्ड जगह, फिर वो मॉडिफाई करता है वहाँ पर, और फिर वापस यहाँ जब आता है तब तक वो ग्रासेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएगा ना तब तक ग्रास, फिर वो उसको खाएगा, तो वो कंट्रोल रखता है, ठीक है। और इसीलिए नेचर ने उनको कौन सा नेचर दिया? माइग्रेटरी, दे कीप ऑन माइग्रेटरी। अगर ऐसा हो गया ना, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स आर नॉट माइग्रेटरी, दे स्टे एट वन प्लेस, तो पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। बहुत बड़ा एनिमल है ना, उसको खाने को बहुत चाहिए, पानी भी चाहिए, तो इमेजिन करो कि एक जगह पे है तो कुछ बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा ना। तो नेचर ने क्या दिया? माइग्रेशन, कीप ऑन माइग्रेशन, है ना, उनको सभी जगह जाने का दिया हुआ। तो दैट इज व्हाट द रूल कम्स। सेम वे यू कैन टेक एग्जांपल डुगोंग। क्या ये मेंटेन करता है डुगोंग सी काउ? इट मेंटेन्स सी ग्रास बेड, मेंटेन सी ग्रास बेड। सी ग्रास को मेंटेन रखता है। क्या होता है कि सी ग्रास जो है एक तरह का कहां ग्रो करता है? वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर। तो उसको जब वो ग्रेजिंग करता है, फूड चाहिए उसको, तो वहां जगह बनता है टर्टल्स के लिए, अदर फिशेस टू कम एंड ब्रीड, है तो उसको कंट्रोल में रखता है वो। जैसे टाइगर किसको कंट्रोल रखता है? हर्बीवोर को, उसी तरह ये वहां पर सी ग्रास को कंट्रोल रखता है। देन यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, आजकल काफी न्यूज में, केल्प फॉरेस्ट। व्हाट इज केल्प? इट ग्रोज लाइक अ फॉरेस्ट, कई बार उसको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं।
they almost look like a forest within the seawater. It's a very important ecosystem. It is not found in India. No, and ye isko warm water nahi chahiye, cold water mein hota. They live the kelp forest. And it's a very important ecosystem. Right? So kelp forest, if you look at, this is the kelp forest. Let me show you this kelp forest. ये काफी न्यूज में भी रहा है, क्योंकि अभी क्यों न्यूज में है, अब हो सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ जाए क्वेश्चन। ये से न्यूज में है क्योंकि अब ये धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हो रहा है। यू सी हियर व्हाट इज केल्प फॉरेस्ट, आर लार्ज ब्राउन एल्गी, आई हैव रिटन द वर्ड ब्राउन एल्गी, दैट इज दैट लिव इन विच टाइप ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर। व्हाट विल हैपन इफ द ओशन बिकम वार्म, दे विल नॉट बी एबल टू ग्रो, cool and relatively shallow water close to the shore, they grow in dense grouping, much like forest on the land. It almost look like a forest. Samundar ke niche hote hain. This is what you see here. This image is there. And you can see this animal. Kya bolte hain is animal ko? सी लायन बोलते, वॉलरस, सील भी बोलते, सील एस ई एल, दे लिव इन द केल्प फॉरेस्ट। इज गिवन हियर, दिस व्हाट यू फाइंड हियर, वैनिशिंग केल्प फॉरेस्ट, खत्म हो रहा है। प्लांट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल एनिमल ही कीस्टोन हो सकता है, कैन बी एग्जाम्पल ऑफ। अब जो मैंने बताया कि सी सैट का पेपर जो है, सी सैट 2011, when you go to CSAT, first CSAT, which UPSC started 2011, there is a passage on, is concept mein passage hai, that given is this one, starfish. Starfish jo hota hai, usme ye diya hua ki jo starfish hai, it is a predator. Aur wahan pe ek dusra organism hai, सो द सी मसल बोला जाता है। मसल्स जो होते हैं ये ग्रो बहुत फास्ट करते हैं, क्योंकि प्रीडेटर है ये स्टारफिश, तो ये किसको खाता है, मसल्स को। तो कोई भी रॉक अगर अंडर द ओशन भी जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर स्टारफिश नहीं रहेगा तो सी मसल विल ग्रो वेरी फास्ट। उस पैसेज यही दिया कि ये ग्रो करेगा बहुत फास्ट। तो अगर ये बहुत ज्यादा मसल ग्रो कर गया तो बाकी जो स्पीसीज यहाँ रहते हैं उनको रहने का जगह नहीं मिलेगा। तो स्टारफिश क्या करता है, एज अ प्रीडेटर कीप ऑन ईटिंग दिस मसल, डजंट अलाउ द मसल टू ग्रो वेरी फास्ट। तो उसके जगह जो बन जाते हैं, फिर बाकी स्पीसीज कैन कम एंड लीव देयर। तो ये कीस्टोन है, कौन सा कीस्टोन है, स्टारफिश। कहने का मतलब है सीसाइड का पैसेज, अगर एनवायरमेंट इकोलॉजिस्ट आ रहा है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे कुछ। कई बार वो जीएस के कॉन्सेप्ट को लिंक करते हैं, पैसेज में लिंक किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल आएगा, व्हाट आई गिवन देयर कुड बी एनी मेनी एग्जांपल्स देयर। सो नाउ इफ यू लुक एट हियर दिस वन, दिस व्हाट अ हैंडआउट आई हैव गिवन यू, है ना, ये हैंडआउट है। कीस्टोन स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन आइडियाज इन इकोलॉजी, देयर है ना, डिक्रीज इन अबंडेंस प्रोफाउंडली, ये सब है। अब ये चीज द नेम डिराइव्स फ्रॉम द सेंटर स्टोन इन एन आर्क सपोर्टिंग इट्स वेट बाय इनवर्ड लीनिंग स्टोन्स। अगर की स्टोन नहीं होगा तो आर्क नहीं रहेगा। दिस व्हाट हैज बीन गिवन हियर, है ना, उसके पार्ट में वहां पर है, बट आई हैव गिवन द एग्जांपल देयर, रिमूवल ऑफ दैट स्पीसीज विल कोलैप्स द इकोसिस्टम, ठीक है। विल कम टू सक्सेशन, दिस इज क्लियर हियर, ओके, वी विल डू वन थिंग हियर। अब बिफोर आई कम टू दिस हैंडआउट हियर, सक्सेशन पार्ट वगैरह, जस्ट राइट समथिंग देयर, आई गिव यू ब्रेक, डोंट वरी, यू विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक, खत्म कर दो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप, नहीं मैं टॉपिक लिख लो आप, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एनीवन इन द क्लास,
Yes, no, hi. Okay. Yes, this side. क्या इसका मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? प्रोडक्शन, हाँ, क्या जी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? फूड भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? मुझे अच्छा लगता है वैसे, यही करना चाहिए, वीकेंड में सबको एक साथ बुलाना चाहिए, सबको देखने को मिलेगा, है ना, एक साथ सबकी होता है ना, संगम संगम हो गया सबका एक साथ, ठीक है। ओके, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नेचुरल इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड और फॉरेस्ट और एनी काइंड ऑफ बॉडी, इवन लेक और रिवर और इवन सी एंड ओशन, देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास वही है ना जो लीव्स, प्लांट, ट्री ग्रो करता है, कोई भी एनिमल है उसके भी क्या होते हैं, उसके भी बॉडी पार्ट्स वगैरह ग्रो करते हैं, कोई भी इकोसिस्टम जो है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है, दिस वन, लेट मी ड्रॉ चार्ट हियर, हियर बेसिकली डिफाइंड एज दिस वन, जस्ट राइट दिस वन, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, पुट इन इनवर्टेड कॉमा हियर, बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, जब किसी इकोसिस्टम में, ठीक है, जब बायोमास बनता है एरिया और टाइम के साथ, उसको इकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है प्रोडक्टिविटी का। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट है, रेट हम किस पे डिफाइन करते हैं? टाइम के साथ, है ना, दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन हियर, लेट पुट इन फ्लो चार्ट ओनली देयर। अब इसका जो है मेजरमेंट जो है, इट मेजर्ड इन, एक वर्ड आता है ग्रॉस, टोटल, वो ग्रास इन कितना बना रहा है, टोटल कितना बना रहा है, टोटल बायोमास हो गया, ग्रॉस इज बेसिकली टोटल क्वांटिटी हो गया, यहां पर टोटल क्वांटिटी ग्रॉस में से टोटल क्वांटिटी जितना पूरा बायोमास बन रहा है, और दूसरा जो होता है नेट, व्हाट इज नेट, कोई भी इकोसिस्टम में जो भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स बन रहे हैं उसका यूज भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल बनता ही जा रहा है, अगर ऐसा बनता ही चला जाएगा तो बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं खपत होता है या कंज्यूम होता है, उसकी यूज होती है ना, तो वो कहाँ यूज होता है? कहीं ना कहीं वो मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, है ना, वो खत्म होता है वहां पर। तो नेट क्या हो गया? जब वो माइनस होने के बाद रिमेनिंग जो बच जाते हैं, जितना रह गया, अब जैसे ट्री है, ट्री एक दिन में फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बना रहे है ना, वो टोटल हो गया, दैट इज ग्रॉस। अब लेकिन ट्री को भी तो एनर्जी चाहिए, ट्री को भी सरवाइव करना है, तो ट्री जितना यूज कर लिया, तो टोटल में से जब माइनस होने के बाद जो बच गया, व्हाट एवर लेफ्ट ओवर रिमेनिंग, दैट इज अ नेट, वो कहाँ रहेगा? ट्री में अवेलेबल रहेगा, है ना, दैट इज लॉक्ड इन द ट्री, अवेलेबल इन द ट्री, दैट इज कॉल्ड नेट। सो हियर नेट मीन्स हियर टोटल माइनस लॉस ड्यू टू टोटल बायोमास, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल बायोमास माइनस लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन। व्हाई रेस्पिरेशन इज टेकन? बिकॉज रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, तो वहां खत्म होता है, देयर इज लॉस ऑफ देयर, टोटल माइनस टोटल बायोमास माइनस लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन, तो वॉट एवर इज रिमेनिंग, तो दैट गिव अस द नेट प्रोडक्टिविटी। उससे क्या मिलता है? नेट अमाउंट मिलता है। जैसे बताया ट्री में 10 ग्राम बन रहा है, अब ट्री ने 10 ग्राम में से 6 ग्राम, 6 ग्राम अपना यूज कर लिया, तो जो रिमेनिंग जो 4 ग्राम है, 4 ग्राम, 10 माइनस 6, वो हो गया नेट, राइट। नाउ व्हाट कम्स हियर, द थर्ड थिंग दैट इज अ वन, यू विल कम अक्रॉस दिस वन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
What is the word I have written here? Primary productivity. Primary, always remember that in ecology, whenever the word primary comes, that is the first level. जो पहले लेवल पे आता है, तो दैट इज योर प्राइमरी. उसके बाद जो आता है हर्बीवोर, कार्निवोर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे लेवल होते हैं. तो प्राइमरी मतलब पहला है प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि दे आर द वन टू कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू बायोमास. सो प्राइमरी हियर मीन्स दैट इज द प्रोडक्टिविटी, दैट इज मेकिंग ऑफ बायोमास बाय ऑल ऑटोट्रॉप्स, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, ऑफ इकोसिस्टम. आई रीड आउट दोज़ हू कैन नॉट सी. व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी बाय ऑल ऑटोट्रॉप्स. कौन है ऑटोट्रॉप? प्रोड्यूसर्स है, जैसे मैं ग्रास, प्लांट, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बाय ऑल सच प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम. और दूसरा होता है सेकेंडरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? दिस इज बेसिकली यू कैन राइट देयर इन द ब्रैकेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, और आई राइट हेटरोट्रॉप्स, ऑफ ऑल हेटरोट्रॉप्स ऑफ एन इकोसिस्टम. जब उस इकोसिस्टम के सारे कंज्यूमर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, जितने भी है, सबका बायोमास हमने निकाल लिया, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी. तो व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? इन ब्रैकेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल हेटरोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम. इसमें हम प्रोड्यूसर को फिर काउंट नहीं करते, प्रोड्यूसर के अलावा जो है. तो अगर कहा जाए बायोमास के तौर पर, मैन, ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. What producer? Producer of biomass. Secondary है. क्यों man secondary है? Secondary producer of biomass. Because हमारे अंदर biomass कहाँ से बनता है? जब हम food खाते हैं. अब food हमें कहाँ से मिल रहा है? बाकियों से मिल रहा है. ठीक है, तो that is what a man is a secondary producer. ये तो concept होगा. कई बार आप पढ़ते हैं NPP, GPP, net primary, gross primary. This all thing comes. Now where the UPSC will ask question. एग्जाम्पल्स कि कहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बहुत ही कम है. तो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है बायोमास? कार्बोहाइड्रेट वगैरह. या कहने के बाद सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है. अगर हम कंपेयर करें लैंड में, फॉरेस्ट का ज्यादा होगा, ग्रासलैंड का मीडियम होगा, और डेजर्ट का सबसे कम होगा, ये ना. और हम ओशन की हम बात करें तो नहीं, ओशन में कहाँ ज्यादा होगा? कहाँ ओशन में? जब हम 200 मीटर जाते हैं डेप्थ, जहां सनलाइट होता है, लाइट जोन या फुटिंग जोन बोलते हैं, डीपर पार्ट ऑफ ओशन में कम हो जाता है. तो यू कैन राइट देयर, यू हैव रिटन दिस वन, इधर दिख जा रहा है सारा. ओके, सो लेट्स गो टू दिस वन. यू राइट हियर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स. All types of rainforest, जितने भी all rainforest world wide, Amazon से लेके इंडिया में वेस्टर्न घाट जो भी हम ले, rainforest का बहुत ज्यादा होता है. उसी comparison में ये भी आता है equatorial forest, क्योंकि वहां पर temperature ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होता है, और ये ऐसे forest क्या होते हैं? डेंस होते हैं, बहुत ज्यादा trees, plant वगैरह होते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, एनिमल्स भी ज्यादा पाए जाते हैं. वही कंपेरिजन मैंने क्लास में इसके बारे में बताया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट. बट मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया, ठीक है. अगर मरीन की बात करें, सी एंड ओशन, कोरल रीफ, कोरल रीफ वे हैव मोर. वैसे यहां पर आता है इसमें. अगर वाटर बॉडी की बात करें, स्वैम्प, मार्स, जो वेटलैंड होते हैं. क्यों वेटलैंड का ज्यादा होता है? वेटलैंड का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना.
ऐश्वरी वगैरह जो होते हैं वहां ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ऐश्वरी वगैरह में? क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है। जहां न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा। लगून, यू नो, चिलिका लगून एंड ऑल दिस, ये सारे एग्जाम्पल में आता है। अगर मीडियम बात करें, मीडियम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, लेट्स लुक एट फॉरेस्ट फर्स्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, दे वेरी हाई लेवल ऑफ बायोमास। तो कौन से फॉरेस्ट का मीडियम लेवल होगा? टेम्परेट। इसी में एक एग्जाम्पल इंडिया में क्या आता है, डेसिडुअस बोलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में दो तरह का डेसिडुअस होता है, ड्राई एंड वेट। वेट में ज्यादा होगा, बारिश होते हैं उसमें ज्यादा वो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। फिर यहां पर एक और आता है, अगर हम बात करें, ये चीज है, कॉनिफर होता है, नो, एक्समस ट्री, दे ऑल्सो ग्रो बिगर, सो टाइगा फॉरेस्ट। देन ग्रासलैंड्स, वर्ल्ड वाइड जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो मीडियम लेवल पे आते हैं। अब इसमें दो फिर कंपैरिजन होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो किसका ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल का होगा या टेम्परेट का होगा? ट्रॉपिकल। सो एक वर्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये चीज, व्हाट इज कॉल्ड सवाना। और उसका ज्यादा किससे होगा? टेम्परेट। यूरोप में क्या आता है, कौन सा ग्रासलैंड यूरोप में आ जाता है? स्टेप, स्टेपी जो बोलते हैं। अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना इन अफ्रीका विल प्रोड्यूस मोर बायोमास एज कंपेयर टू टेम्परेट स्टेपी, स्टेपीज इन यूरोप, है ना। क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड की क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ग्रासेस विल बी टॉलर और ज्यादा वो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास होता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वेटलैंड्स, मार्स, स्वैम्प, दे हैव फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोट करते हैं प्लांट वगैरह, तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल लेक की बात करें, नॉर्मल जो लेक्स होते हैं, है ना, लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह होता है, तो उसका मीडियम लेवल होता है। प्लांट वहां भी होते हैं ना, एल्गी वहां भी होता है, लेकिन वो मीडियम लेवल पे होगा। एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, फार्म लैंड, जहां हम फार्मिंग करते हैं, जैसे क्या है, आप ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे, प्रेरी, उसको बोलते हैं कॉर्न, कॉर्न के लिए माना जाता है, इसको फूड बास्केट ऑफ अमेरिका। क्या क्या है प्रेरी? ग्रासलैंड है। अब किसमें कन्वर्ट हो गया है? एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। पंपास, कहाँ पंपास कन्वर्ट आता है? यू फाइंड इन साउथ अमेरिका। ये सारे ग्रासलैंड रहे बट विच हैव बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। सो यू कैन ऑल्सो टेक हियर फार्म लैंड, फार्म लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड। किसमें आता है? मीडियम लेवल पर। मतलब कहने का मतलब वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है, वहां भी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, दैट जनरेट मोर हाइयर, ठीक है। तो दैट विल अगेन कम फार्म लैंड और एग्रीकल्चर लैंड विल बी देयर। अब मिनिमम कहाँ होगा? लिस्ट सबसे लो, ठीक है, इधर लिख पा रहे हो आप, सो आप लिख लीजिए लोएस्ट, लोएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। सो फर्स्ट लेट अस लुक इनटू लैंड बेस, क्या है टुंड्रा, या इसको कई बार अल्पाइन भी बोलते हैं, माउंटेनियस भी कहा जाता है। टुंड्रा दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, जो कि पोलर आर्टिक अंटार्कटिका होता है, और दूसरा होता है माउंटेनियस, है ना, वहां पर इस कम होता है। फिर यहां पर एक चीज वर्ड आता है, ये चीज परमाफ्रॉस्ट, टुंड्रा के पास ही होता है परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन होता है, सॉइल इज फ्रोजन विद आइस, थॉइंग सीजन होता है जहां मेल्ट होता है, तभी उसमें ग्रासेस वगैरह ग्रो होता है, तो परमाफ्रॉस्ट इज देयर। देन यू नो दिस वन, डेजर्ट, किस तरह का प्लांट डेजर्ट एरियाज में होता है?
जो उसको बोलते हैं स्क्रब, है ना, स्क्रब वगैरह होता है, या कैक्टस, या कई बार ये वर्ड होता है, मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, कई बार आप ये वर्ड पढ़ते हो सकुलेंट, इसके संकन स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा यू नो, लॉस ऑफ वाटर कम्स एंड लीव्स हैव बिकम थॉर्न, स्टेम हैज बिकम लीफ। कैक्टस जो है वो जो आप देखते हो वो लीफ नहीं है, वो बेसिकली स्टेम मॉडिफिकेशन, उसका जो लीफ है दैट हैज गॉट मॉडिफाइड एज थॉर्न, राइट। और उसके रूट्स जो होते हैं, डीपर रूट्स होते हैं ऐसे प्लांट का, या शैलो रूट्स होते हैं, डीपर रूट्स होते हैं क्योंकि पानी कम होता है वहां पर, डीपर रूट्स होते हैं। इसको एक और वर्ड बोला जाता है जेरोफाइटिक, जेरो मतलब ड्राई, है ना, ड्राई फाइटिक, तो सकुलेंट प्लांट विल बी देयर। देन यू नो दिस वन, पीक ऑफ द माउंटेन, एंड व्हाट यू फाइंड देयर, स्नो कैप्ड होता है, एंड यू फाइंड ग्लेशियर ऑल्सो, तो देर यू वोंट कम अक्रॉस मोर वेजिटेशन, वेजिटेशन ज्यादा नहीं होता, ट्रीज एंड प्लांट ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पर जो बायोमास बनना होता है वो लोअर होता है, विल नॉट बी टू मच। तो यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, कंपैरिजन आएगा, यूपीएससी में केवल एक ही बार क्वेश्चन आया 2013 एग्जाम, जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था, राइट। कई बार हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन हो कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम किस में आता है, तो दैट पार्ट कैन कम इट, राइट। सो राइट इट देयर, आई विल कम टू सक्सेशन पार्ट, ये टॉपिक नहीं था, व्हाट आई फील्ड अप देयर, ठीक है। क्या नाम है आपका, आप पूछा था, मैं एक बार पूछा था नाम, ना नहीं पूछा, नहीं वो काठमांडू में मंदिर है, हाँ है ना, जी इनके नाम पे है, ठीक है। आई विल कम टू सक्सेशन, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, मैं आज 4 बार लाइव हुआ हूँ, नहीं देखा, चल थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ सक्सेसर में आ रहा हूँ, नहीं मैं पूरा दिखाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा पार्ट दिखा देता हूँ, इसमें ये तो ऐसा ही है, व्यूज वाला पार्ट, ये कहाँ गया चैनल का, यहाँ पर है लाइव, ये 4 हुआ है आज, आगा खान पैलेस, शनिवार वाड़ा, ठीक है, ये 2 बार वो रिपीट हो गए, लोहगढ़, ठीक है, इसमें लेट मी सी हियर दिस वन, साउंड वहां से आ रहा है, सो यहां पर पूरा है ना, वो पार्ट मैंने समझाया है, ठीक है। क्यों इसका नाम शनिवार वाड़ा है, क्यों इसका नाम है, इनॉग्रेशन किस दिन हुआ था, सैटरडे हुआ था, 22 जनवरी 1733 में उसमें हुआ था, और क्या क्या इसका हिस्ट्री है, सभी लोग गए रहे उधर, हाँ और बताओ क्या है हिस्ट्री, फिल्म आई है ना बाजीराव मस्तानी, दो दो वाइफ थी उनकी, पहला था काशी भाई थी या राधा, काशी भाई, अच्छा राधा उसकी बहू थी ना, ठीक है, और दूसरी मस्तानी, दोनों के वंशज है, लिनियज है, दोनों को दिया हुआ है वहां पर, ठीक है, तो वो पार्ट है। और इसके साथ साथ में तो और क्या हिस्ट्री है, पेशवा है ना, कौन थे पेशवा, हु वेर द पेशवास, हाँ मैडम क्या चीज था उस समय, क्या उसका रोल था वहां पर, व्हाट बेसिकली रोल दे वर प्लेइंग, ये सब हिस्ट्री बुक में है, व्हेन व्हेन यू रीड हिस्ट्री में तो वहां पर आएगा, किंग मेकर था सारा कुछ, वो डिसाइड होता था वहां पर, हाँ वो चीज है, उसमें 7 मंजिला हुआ करते, लकड़ी के बने होते थे, लेकिन वो आग लगने के कारण वो खत्म हो गया। लोहगढ़ जो है, लोहगढ़ के बारे में कौन बताएगा,
लोनावला में, लोनावला के पास में है लोहगढ़, जो क्या है उसका हिस्ट्री है, प्रिटी ऑफ पुरंदर, ये भी हिस्ट्री में है, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ट्रिटी ऑफ पुरंदर है वहां पर, छत्रपति शिवाजी महाराज और ट्रिटी हुआ था वहां पर। वो बहुत पुराना किला है, मतलब चालुक्य से लेकर कई सारे रूलर्स ने उसको रूल किया है, मुगल के हाथ में भी वो आया था औरंगजेब वगैरह के जो वहां। तो ट्रिटी ऑफ पुरंदर आप पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा पुरंदर किला भी है ना, लेकिन वहां पर एक, वहां पर उसके कॉन्टेक्स्ट मात्र लोहगढ़ के बारे में जो है, ठीक है। और आगा खान पैलेस, कितने लोग गए आगा खान पैलेस, सबको जाना है, कंपल्सरी मैंडेटरी है। मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है, मॉडर्न इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, करो या मरो, डू और डाई, वो वहीं से हुआ था। मैं बताऊँ उसको जब पढ़ेंगे ना, अगर आप चले गए आगा खान पैलेस तो वो जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया का, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, गांधी जी गए थे ना वहाँ पर, सेकेंड राउंड टेबल जो था लंदन, लेकिन बातचीत नहीं हुआ वहाँ पर। तो फिर आने के बाद उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, और जो पहला आदमी कौन था जो इंडिविजुअल सत्याग्रह दिया, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आचार्य विनोबा भावे, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गिव इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर 8 अगस्त को जब डिक्लेयर हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट, तो देन गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड केप्ट इन हाउस अरेस्ट, भाई आगा खान पैलेस ही है जहाँ उनको रखा गया था वहाँ पर, और वहीं से सारा अनाउंसमेंट हुआ था। यही चीज आप बाद में कनेक्ट करेंगे चोरी चोरा कांड, व्हाट वाज द चोरी चोरा इंसिडेंट, वेयर द मोब द क्राउड बर्न द स्टेशन एंड देन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कैंसल्ड, वो सारा चीज वहां पर लिनिएज यू फाइंड दैट। बा, हु इज बा, कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनका वहां पर वो भी है, समाधि भी है, शी डाइड देयर ओनली। भुल्ला भाई देसाई, हु वाज भुल्ला भाई देसाई, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी के थे वो, उनका भी डेथ वहां पर है। तो वो हिस्टोरिकल मतलब कहने मतलब आपका यूपीएससी में 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन वही कवर हो जाता है वहां घुमरी के बाद। आई एम सीरियसली आई एम सेइंग दैट, कई बार आप जब हिस्ट्री बुक पढ़ते हैं ना तो आपको रेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है, पर वंस यू गो देयर, सरोजिनी नायडू, उस समय क्या होता था क्विट इंडिया मूवमेंट में, इलीगल राइटिंग, जो राइटिंग होता है इलीगल मीन्स ब्रिटिशर्स कंसिडर इलीगल, देन यू नो रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑल दिस विल फाइंड देयर। देखो मैं आके घूम के गया, यहां रह के आप लोग कितने लोग नहीं गए बताओ, जाना चाहिए ना, कंपल्सरी, ये होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क असाइनमेंट, यू हैव टू ऑल गो टू आगा खान पैलेस एंड रीड अबाउट देयर व्हाट एवर गिवन देयर, ठीक है, पक्का, अच्छा ठीक है। और एनीवे लेट्स गो टू दिस वन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बता ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ले लो ब्रेक, ले लो ब्रेक, लेकर आ जाओ ब्रेक फॉर 15, नहीं क्योंकि फिर मुझे निकलना भी है, आई हैव गॉट अ फ्लाइट आल्सो देयर। कितने मिनट का ब्रेक जाना चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट, चलो 10 मिनट, चलो आप आ जाओ, 10 मिनट आ जाओ, आई एम स्टिल देयर, आप बिल्कुल सर। अच्छा जिनका मैं ऐसा करता हूँ, जो है ये मैं बाहर रख देता हूँ, जिनको लेना है ऐसा ले लेंगे, ठीक है, आ जाओगे 10 मिनट के बाद वापस आना है, ले लो आप, देखो फिर बाहर कर देना उसको। और जिनको बुक देखना है मैं दे देता हूं, एग्रीकल्चर बुक एंड प्लीज रिटर्न बैक, ठीक है। माय एनवायरमेंट बुक इज गेटिंग रिवाइज, यू विल बी गेटिंग दैट वन, यू कैन हैव आल्सो हैव अ लुक इनटू इट। अच्छा मुझे याद है उस दिन आप मास्क लगा के जा रहे थे, कौन मास्क लगा के जा रहे, ये जा रहा था, अच्छा सर मुंबई से इतना दूर से आना, अच्छा वहां
ज्योग्राफी आप लोग ट्यूसडे से है ना? नहीं ठीक है, आपने लिख लिया अच्छे से, आपने योजना का नाम भी बताया है, आने और ठीक है ऑलरेडी चल जाएगा थोड़ा।